अगर आप इस सीरीज़ की पहली वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नेक्स्ट 2.5 मिनट तक का जो एक मैंने पर्टिकुलर तरीका बताया किस तरीके से इस सीरीज़ से आप नोट्स बना सकते हो जिसमें आपको एग्ज़ाम के अंदर रिवाइज़ करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप प्लीज़ अगले 2.5 मिनट को ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस सीरीज़ की ये कोई भी वीडियो पहले देख चुके हो तो आप नेक्स्ट 2.5 मिनट्स को स्किप कर सकते हो अगर आपको नोट्स बनाने का तरीका पता चल चुका है। तो नहीं पता है तो प्लीज़ अगले 2.5 मिनट्स तक ज़रूर देखें, आपको आइडिया लगेगा कैसे आप जल्दी जल्दी इस पूरी की पूरी वीडियो से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। जब हम अपने टॉपिक्स डिस्कस कर रहे होंगे ना तो उनमें कुछ चीज़ें होंगी जो आपको दिखाई देंगे, जैसे कोई लोकेशन का नाम आएगा, सिटी या कंट्री का, फेस्टिवल का नाम आएगा, किसी स्ट्रेट, सी, ओशन, बे, रिवर, लेक का भी नाम आएगा, रिजर्व, पार्क, सेंचुरी, स्पीशीज़ के नाम आएंगे, ट्राइब्स के, स्पीशीज़ होती है ना आइडेंटिफाई हो रही होती हैं कि बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं जो न्यूज़ में रहती हैंगी, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, बहुत सारे एक्ट होते हैं हमारे नेशनल लेवल के, एंड कुछ रैंडम चीज़ें आ रही होती हैंगी। आपको क्या करना होगा, आपको एक A4 शीट को लेना है, ठीक है। A4 शीट के अंदर कुछ इस तरीके से फोल्ड्स बनाइएगा, ये आपकी A4 शीट है लैंडस्केप मोड के अंदर, ठीक है। आप इसको जब इस बार तीन तरीके से दो बार फोल्ड करेंगे ना तो आपके पास एक साइड में चार कॉलम्स बन जाएंगे लंबे लंबे, ठीक है। इन कॉलम्स के ऊपर आप ऊपर टाइटल दे दीजिए, ठीक है। हमारे पास टोटल 8 सेक्शंस हैं, अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे ना हमारे पास टोटल 8 सेक्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब आप इस शीट को देखते हो तो आप इसकी शीट में एक साइड आपके 4 हैं, अदर साइड भी आपके पास 4 हैंगे, तो टोटल 8 सेक्शंस आप इस शीट के ऊपर नेमिंग कर सकते हो। अब जब हम लोग अपना जैसे हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे होंगे, आपको न्यूज़ में सुनते सुनते जैसे ही आपको किसी लोकेशन का नाम लगे आप लोकेशन वाले कॉलम में ऐड कर दीजिए, किसी सिटी का नाम है, किसी कंट्री का नाम है। सेम तरीके से कोई फेस्टिवल था जो न्यूज़ में था, कोई स्ट्रेट आया था, कोई ओशन का नाम, सी का नाम, किसी बे का, रिवर का या लेक का नाम आया था, उसी तरीके से कोई ट्राइब वगैरह एक्ट वगैरह हैं, एंड रैंडम में कोई भी ऐसी चीज़ जो इन ऊपर वाली किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करती हो। देखो एक बात का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ उसका नाम लिखना है, ठीक है। जैसे आर्टिकल 145 आ गया तो आर्टिकल 145 लिख दो, एक्सप्लेन नहीं करना है आपको, ये आपके शॉर्ट नोट्स बनेंगे आपको रिवीजन के तौर पर। जब आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, पूरी की पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, तो 12 मंथ्स के लिए आपके पास ऐसी टोटल मैक्स टू मैक्स 3 या 4 शीट्स ही होंगी फुल। 12 महीने के अंदर आपको 3 या 4 का इंडेक्स मिल जाएगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ें थी जो मेरी एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। इसमें से 3, 4, 5 क्वेश्चंस होंगे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में आपको घूम फिर के मिल ही जाएंगी, ठीक है। तो 3 या 4 शीट बनेंगी आपके टोटल 12 मंथ्स की। अभी जो अक्टूबर में जो एग्ज़ाम है उसके लिए तो शायद मैं अगस्त तक की तो कंप्लीट करवा ही दूंगा, सितंबर की आएगी नहीं तब तक एग्ज़ाम का, वैसे भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन 2021 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही क्रूशियल होगा, 2022 के लिए भी बहुत क्रूशियल होने वाला है। तो ये तरीका है आपको नोट्स बनाने का, एंड एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा इसके अंदर। ऑलराइट, 10.1 पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स अनाउंस किए गए थे रिसेंटली रिपब्लिक डे के ओकेजन के ऊपर, और पद्मा अवार्ड्स जो हैं ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं हमारी कंट्री के। इसको हम 3 कैटेगरीज में देते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण हम लोग देते हैं एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए, पद्म भूषण मिलता है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर, और पद्मश्री मिलता है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड। इन अवार्ड्स को हम लोगों ने 1954 में कॉन्स्टिट्यूट किया था कुछ अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए। वो फील्ड्स जो होते हैं जहाँ पर बहुत सारे डिसिप्लिन हो सकते हैं, जैसे कि आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस, इंजीनियरिंग एट्सेट्रा। इनको अवार्ड्स को कन्फर करने के लिए रिकमेंडेशन जो है वो पद्म अवार्ड्स कमेटी से आती है, जिसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं प्राइम मिनिस्टर हर साल, और इसको हेड करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि वो सिविल सर्विसेज बोर्ड के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं, प्लस में वो सिविल सर्विसेज के अंदर जो हाईएस्ट पोस्ट होती है वो होती है कैबिनेट सेक्रेटरी की। जो नॉमिनेशन प्रोसेस होता है ये पब्लिक के लिए ओपन होता है, आप प्लस में आप अपना सेल्फ नॉमिनेशन भी कर सकते हो, यानी कि आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसा काम किया है तो आप इन अवार्ड्स के लिए वेबसाइट्स के ऊपर जाकर अपना सेल्फ नॉमिनेशन कर सकते हो। ऑल द पर्सन विदाउट डिस्टिंक्शन, यानी कि कोई डिस्टिंक्शन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता रेस, ऑक्यूपेशन, पोजिशन, सेक्स और किसी भी चीज़ के लिए इन अवार्ड्स के अंदर। लेकिन गवर्नमेंट के जो सर्वेंट्स होते हैं, जिसमें कि जो PSUs के साथ काम कर रहे हों या फिर एक्सेप्ट जो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट होते हैं ना, ये लोग इस अवार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी लाइफ ही एक रिकॉग्नाइजेबल काम होती है कि, तो हर दिन के लिए उनको कंपलसरी अवार्ड नहीं दे सकती गवर्नमेंट। टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स टू बी गिवन इन ईयर, जो कि पॉस्थ्यूमस को एक्सक्लूड करके जो होता है, वो 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्लस में इन अवार्ड्स के अंदर कोई टाइटल आपको नहीं मिलता लगाने के लिए, सफिक्स या प्रीफिक्स, और अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए एक सनद आपको दिया जाता है। सनद में सर्टिफिकेट होता है जिसके ऊपर प्रेजिडेंट के साइन होते हैं, एक मेडालियन होता है, लेकिन कोई भी कैश प्राइज इसमें नहीं होता है। 10.2
पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम। रिसेंटली उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे कमिश्नर सिस्टम पुलिसिंग का दो सिटीज़ के अंदर, लखनऊ एंड नोएडा, जहाँ पर मैजिस्ट्रियल पावर्स जो होंगी वो टॉप पुलिस ऑफिसर्स को दे दी जाएंगी। स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइज करेगी अपना कंट्रोल और सुपरिंटेंडेंस स्टेट पुलिस की फोर्सेज के ऊपर। ध्यान देना, स्टेट गवर्नमेंट अपना कंट्रोल और अपनी सुपरिंटेंडेंस स्टेट की पुलिस फोर्स के ऊपर एक्सरसाइज करेगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक ड्यूअल सिस्टम का कंट्रोल एग्जिस्ट करता है। मेट्रोपॉलिटन लेवल के अंदर मैनी स्टेट्स उन्होंने रिप्लेस कर दिया इस ड्यूअल सिस्टम को कमिश्नरेट सिस्टम के साथ। डिफरेंस क्या है ड्यूअल सिस्टम में और कमिश्नरेट सिस्टम के अंदर? देखो, ड्यूअल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है ना ओवर जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का होता है, उसका मतलब होता है कंट्रोल करना, और जो डायरेक्शन होती है ना पुलिस की वो होती है SP के अंदर, जो कि हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर जो कि एग्जीक्यूटिव होते हैं। कमिश्नरेट सिस्टम के अंदर एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर होता है जो कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास होता है। कमिश्नर ऑफ पुलिस की जो होती है वो रैंक होती है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल की या फिर उसके अबव की, और वो पूरी की पूरी फोर्स के सोल हेड होते हैं कमिश्नरेट सिस्टम के अंदर। ड्यूअल सिस्टम के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है DM का, यानी कि जो इश्यूज होते हैं अरेस्ट के, वारंट्स के और लाइसेंसेस के, और पुलिस का एक अलग पावर होता है, वो होता है इन्वेस्टिगेट करना क्राइम को और अरेस्ट करना। इसलिए लेस कॉन्सेंट्रेशन होता है पुलिस की पावर के ऊपर, और अकाउंटेबिलिटी जो होती है DM की वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। लेकिन जब हम बात करते हैं कमिश्नरेट सिस्टम की, तो पावर ऑफ पुलिसिंग और मजिस्ट्रेसी कॉन्सेंट्रेट होती है कमिश्नर के अंदर। वो डायरेक्टली अकाउंटेबल होता है स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट पुलिस के चीफ को। प्लस में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसकी अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती हैगी। इसके कारण एक इंटीग्रेटेड कमांड स्ट्रक्चर होता है, वो आपको हेल्प करता है स्पीडी डिसीजन लेने में। वो इट हेल्प्स फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द कमिश्नर एंड एलिमिनेट्स द ब्लेम गेम, यानी कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के ऊपर ब्लेम गेम करे और वो पुलिस वाले जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर करे, ये सारा खत्म हो जाता है। सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो कमिश्नर के ऊपर रह जाती है। ये कमिश्नरेट सिस्टम का एक बेनिफिट है। SP को असिस्ट करते हैं एडिशनल असिस्टेंट डिप्टी SP इंस्पेक्टर्स और कंसल्टेबिलिटी। यहाँ पर कमिश्नर को असिस्ट करेंगे स्पेशल जॉइंट एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, और इंस्पेक्टर के डाउनवर्ड रैंक का स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा। 10.3 पोस्टल बैलेट, PWD हम बोलते हैं। ये देखो, PWD दो होते हैं, जो पूरा कैपिटल में लिखा जाता है ना, पूरा का पूरा PWD, वो होता है पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, और ये जिसमें W छोटा आ जाता है इसको बोलते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। आपको ये मालूम होना चाहिए डिफरेंस, ये प्रीलिम्स में आपको कन्फ्यूज कर सकता है। प्लस में मेंस के आंसर राइटिंग के अंदर अगर आपने लिखना चाह रहे हो पर्सन विद डिसेबिलिटी लेकिन आपने PWD लिख दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ों में हाफ ऑफ मार्क्स भी चले जाते हैं और वो नुकसान करता है। फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और जो लोग 80 साल से ऊपर की एज के होते हैं उनको अलाउ कर दिया गया कि अपनी वो वोट को दिल्ली असेंबली इलेक्शन के अंदर पोस्टल बैलेट से कास्ट कर सकते हैं। अब ये इलेक्शन वगैरह हो चुके हैं, हम लोग जनवरी की न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो समझते चलना कि उस टाइम पे इनको परमिशन मिल गई थी। पोस्टल वोटिंग एक टाइप की वोटिंग होती है इलेक्शंस के अंदर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर्स होते हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्टर्स को और इनको बाय पोस्ट रिटर्न कर दिया जाता है। ETPB, अब ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं ETPB के फुल फॉर्म क्या होती है। चार अलग अलग ऑप्शन दे देंगे, किसी में इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे, किसी के अंदर इलेक्ट्रिकल कर देंगे, ठीक है ना, ट्रांसमिटेड या ट्रांसपोर्टेबल कर देंगे, ऑलराइट। तो इसको आपको मालूम होना चाहिए। सर्विस वोटर्स के पास ऑप्शन होता है, या तो वोट करें पोस्टल बैलेट के थ्रू या फिर वो प्रॉक्सी वोटर को यूज़ कर सकते हैं। अभी सर्विस वोटर वाले हो सकते हैं, इसमें कौन कौन आते हैं, आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन के मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना, या फिर वो मेंबर ऑफ फोर्सेस जिन्होंने इस प्रोविजन के अंदर आते हैं आर्मी एक्ट 1950 के तहत उन्होंने अप्लाई किया होता है। इसके अलावा जो मेंबर्स होते हैं आर्म्ड पुलिस फोर्स के एक स्टेट के या फिर और वो सर्विस कर रहे होते हैं आउट ऑफ द स्टेट अपने। प्लस में वो पर्संस जो एम्प्लॉयड होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक पोस्ट के अंदर जो कि आउटसाइड ऑफ इंडिया होती है, जैसे कि इंडियन फॉरेन सर्विस हो गया। अंडर सेक्शन 62 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 प्रिजनर्स को वोट करना अलाउ नहीं होता, लेकिन अगर वो अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन होते हैं तो वो अपनी वोट्स कास्ट कर सकते हैं पोस्टल बैलेट के तहत। और प्रिवेंटिव डिटेंशन का एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूं, अभी हम लोगों ने जब आर्टिकल 370 हटवाया था पार्लियामेंट ने, उस टाइम पर कश्मीर के अंदर बहुत सारे लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन कर दिया गया था, ठीक है। वो लोग अपनी पोस्टल बैलेट से, अगर वहाँ पर कोई असेंबली इलेक्शन हो रहा है वहाँ पर, वो पोस्टल बैलेट को यूज़ करके अपनी वोट सबमिट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 सिलेबस में डायरेक्टली मैंशनड है, तो ये एक्ट आपको A to Z आना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए ओके। 10.4 INI स्टेटस टू द इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। INI स्टेटस होता क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस। ये इसको इस्टेब्लिश किया गया था एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट के तहत।
ये एक पाइवोटल प्लेयर यानी कि एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर रोल प्ले करता है कंट्री के स्किल्ड पर्सनल्स को, जो कि हाईली स्किल्ड पर्सनल्स होते हैं, उन सबको डेवलप करने के लिए एक स्पेसिफाइड रीजन के अंदर कंट्री के। इनको सपोर्ट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इवन जो अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ठीक है, जो डेवलप करते हैं सेंटर ऑफ एक्सलेंस को रिसर्च एकेडमिक्स और अदर एलीट स्कूल्स ऑफ एजुकेशन में। ऑल राइट, रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव किया था कि वो INI का स्टेटस देंगे ITRA को, जो कि जामनगर गुजरात में है। ITRA क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। जो एलिवेशन हुआ है प्रपोज इंस्टीट्यूट का टू द स्टेटस ऑफ INI, यहाँ पर इसके कारण इसको ज़्यादा ऑटोनॉमी मिल जाएगी और ये अपने स्टैंडर्ड ऑफ आयुर्वेदा एजुकेशन को और अपग्रेड कर सकते हैं, आयुर्वेदा के अंदर नए कोर्सेज फ्रेम कर सकते हैं नेशनल और इंटरनेशनल डिमांड के तहत, एडवांस्ड इवेल्यूएशन मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं। प्लस में ये हेल्प करेगा इस इंस्टीट्यूट को टर्शरी केयर आयुर्वेदा के अंदर डेवलप करने के लिए और इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशंस अडॉप्ट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, जिसके कारण ओवरऑल आयुर्वेदा के अंदर एक कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट मिलेगा। देन कम्स 10.5 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019। लेटेस्ट एडिशन जो था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का CPI का, वो 2019 का रिलीज़ हुआ था। इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हर साल, एनुअली मतलब हर साल, और कब से? 1995 से अब तक। ये रैंकिंग देता है 180 कंट्रीज़ को कि वहाँ पर पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट के अंदर कितना करप्शन परसीव्ड किया गया है। एक लार्ज स्केल यूज़ करते हैं 0 से 100 तक का, जहाँ पर 0 जो होता है वो हाईली करप्ट होता है और 100 का मतलब होता है वेरी क्लीन। जो ओवरऑल जितने भी कंट्रीज़ थे 180, तो इसमें मोर देन 2/3 यानी कि 120 प्लस कंट्रीज़ जो हैं उनका स्कोर बिलो 40 है इस साल के CPI के अंदर, और जो एवरेज स्कोर है वो 43 है। की हाइलाइट्स क्या थे इसके? डेनमार्क और न्यूजीलैंड टॉप स्पॉट के ऊपर हैं और उनके बाद आते हैं फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड, ये टॉप 10 में हैं। सोमालिया को रैंक किया गया लास्ट के अंदर और उससे पहले साउथ सूडान और सीरिया। इंडिया स्लिप कर गया है 80th रैंक के ऊपर, जबकि इंडिया का जो स्कोर है वो स्टेडी है 41 पर। पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो 120th प्लेस पे है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है? एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बर्लिन में बेस्ड है जर्मनी के अंदर 1993 से। इनके 100 से ज़्यादा नेशनल चैप्टर्स हैं वर्ल्ड वाइड और ये गवर्नमेंट के साथ पार्टनर करके काम करते हैं, बिजनेस के साथ भी पार्टनरशिप करते हैं, सिविल सोसाइटी के साथ भी पार्टनरशिप करते हैं ताकि कुछ इफेक्टिव मेजर्स ले सकें करप्शन को टैकल करने के लिए। प्लस में ये ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर और ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट को भी पब्लिश करते हैं। ये रिपोर्ट वाले जो टॉपिक्स हैं ये बहुत क्रूशियल होते हैं, बहुत ज़रूरी है इनको याद करना है। एक एक चीज़ को, विमेन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट, ये 6th एडिशन है इस रिपोर्ट का जिसे वर्ल्ड बैंक सबमिट करता है। एनालाइज करते हैं क्या इम्पैक्ट होगा लॉज का और रेगुलेशंस का, जो कि लीगल जेंडर इक्विटी, विमेन की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के ऊपर, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट भी आता है। ये पूरा का पूरा जो एनालिसिस किया जाता है ये 190 इकोनॉमीज़ का किया जाता है, यानी कि 190 कंट्रीज़ में किया जाता है। प्लस में ये मेजर करते हैं ग्लोबल प्रोग्रेस क्या हो रही है जेंडर इक्विटी के लेकर पूरे वर्ल्ड के अंदर, और जो लीगल डिफरेंसेस आते हैं कि स्पेशली इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने में, एक्सेस करने में मेन और वुमेन के अंदर, इन सब चीज़ों को मेजर किया जाता है। विमेन बिजनेस एंड द लॉ इंडेक्स, ये इंडेक्स मेजर करता है 8 इंडिकेटर्स को जो कि स्ट्रक्चर्ड होते हैं विमेन के इंटरेक्शन के अराउंड, स्पेशली लॉ के साथ क्या होता है और ये उसकी इकोनॉमिक डिसीजंस को कैसे इम्पैक्ट करता है, हाउ द डिसीजंस टेकन बाय वुमेन मेक एट वेरियस स्टेजेस इन देयर लाइव्स। इसमें आता है मोबिलिटी, वर्क प्लेस पे यानी कि सैलरी, उनकी मैरिज, उनका पेरेंटहुड, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप, उनके एसेट्स, उनकी पेंशन। बेटर परफॉर्मेंस इन एरियाज़ के अंदर एसोशिएट करती है कि जो मोर वुमेन हैं वो लेबर फोर्स के अंदर हैं और हायर इनकम जो है उनकी, प्लस में उनकी डेवलप्ड आउटकम जो हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं। एक रिसेंट रिफॉर्म हुआ था पेरेंटल लीव का, तो कनाडा जो है वो 8th कंट्री बन गया जिसका स्कोर 100 है विमेन बिजनेस और लॉ इंडेक्स के अंदर। बाकी कंट्रीज़ इसके अंदर जाते हैं, जैसे बेल्जियम आ गया, डेनमार्क आ गया, फ्रांस आ गया, एट्सेट्रा। ग्लोबल जो एवरेज है इस इंडेक्स का वो 75.2 है, स्लाइट इंक्रीज़ हुआ है 73.9 से जो 2017 में प्रीवियसली हम लोगों ने रिलीज़ किया था। ऑन एवरेज वुमेन के पास 3/4 ऑफ द लीगल राइट्स होते हैं जो कि मेन को अफोर्ड किए जाते हैं। इंडिया की रैंकिंग हुई है 117th और जो स्कोर इंडिया का रहा है 74.4 रहा है आउट ऑफ 100।
रिपोर्ट ने अप्रिशिएट किया है महाराष्ट्र का जो रिफॉर्म था कि किस तरीके से वुमेन की जो एबिलिटीज़ होती हैं जॉब के अंदर, उसके अंदर कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस को एलिमिनेट करने के अंदर। तो महाराष्ट्र का क्या मॉडल था ये आप लोग मुझे आंसर राइट इसमें कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए। 10.7 रायसेना डायलॉग 2020, फिफ्थ एडिशन हुआ था रायसेना डायलॉग का 2020 का, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था। एक मल्टी लेटरल कॉन्फ्रेंस है, इसकी कमिटमेंट है ये मोस्ट चैलेंजिंग इश्यूज़ को जो कि ग्लोबल कम्युनिटी फेस कर रही होती है उनको एड्रेस करते हैं। हर साल ये जो डायलॉग होता है न्यू दिल्ली में होता है 2016 के बाद से। इसको डिज़ाइन किया है हम लोगों ने, जो सिंगापुर का शंग्रीला डायलॉग है उसी को ध्यान में रखते, उसी की लाइन के ऊपर। ये जो डायलॉग है ये एक मल्टी स्टेक होल्डर क्रॉस सेक्शनल डिस्कशन है, यानी कि इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। इसमें हेड ऑफ़ द स्टेट आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, लोकल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, प्लस में मेजर प्राइवेट सेक्टर के एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं, मेंबर्स ऑफ द मीडिया होते हैं, एकेडमिक्स होते हैं। ये इंडिया का फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स को लेकर। फ्लैगशिप का मतलब होता है कि जो चीज़ रेगुलर बेसिस पे हो रही होती है ना, उस चीज़ को फ्लैगशिप बोलते हैं। कॉन्फ्रेंस को होस्ट करता है ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो अगर आप UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करते हो, लबासना में जाते हो, तो आफ्टर योर ट्रेनिंग आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरह जब आप एक ट्रेनिंग ऑफिसर रहोगे तो आपको भी रायसेना डायलॉग अटेंड करने की परमिशन मिलती है। 10.8 ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज़ किया है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को अपनी जो उनकी एनुअल मीटिंग होती है दावोस स्विट्ज़रलैंड के अंदर, उससे पहले। रिपोर्ट में क्या है, ये ग्लोबल रिस्क इनिशिएटिव का पार्ट है जहां पर सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेकर आते हैं ताकि वर्ल्ड के जो मोस्ट प्रेसिंग चैलेंजेस होते हैं उन सब के लिए एक सस्टेनेबल और इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस को हम लोग डेवलप कर सकें। ग्लोबल रिस्क क्या होता है, ये डेफिनेशन है ग्लोबल रिस्क की, इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो आंसर राइटिंग में और बता सकते हो कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से है। ग्लोबल रिस्क को डिफाइन किया गया है कि कोई अनसर्टेन इवेंट या फिर कोई भी कंडीशन, इफ़ इट अकर्स इट कैन कॉज सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट सेवरल कंट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ के लिए आने वाले 10 सालों में, उसको बोलते हैं ग्लोबल रिस्क। यानी कि आपकी कंट्री में अगर कुछ हुआ लेकिन वो आसपास की कंट्रीज़ को भी अगर आने वाले 10 सालों में इम्पैक्ट करता है, उसको ग्लोबल रिस्क की कैटेगरी में डाल सकते हैं। वर्ल्ड के टॉप 5 ग्लोबल रिस्क क्या हैं और एनवायरनमेंट वगैरह को लेकर क्या है, एक्सट्रीम वेदर के इवेंट्स जहाँ पर जो मेजर डैमेज होता है प्रॉपर्टी को होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को होता है और ह्यूमन लाइफ को होता है। सेकंड ग्लोबल रिस्क इज़ फेलियर ऑफ द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के इम्पैक्ट को रिड्यूस करना, किसी भी चीज़ की गंभीरता को कम करना। तो एंड अडेप्टेशन बाई द गवर्नमेंट्स एंड बिजनेसेस, यानी कि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए हम लोग फेल हो रहे हैं और गवर्नमेंट और बिजनेसेस बहुत सारे जो सस्टेनेबल मॉडल्स होते हैं उनको अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ह्यूमन मेड एनवायरमेंटल डैमेज एंड डिज़ास्टर्स, इसमें आते हैं एनवायरमेंटल क्राइम जैसे कि ऑयल्स का स्पिल कर जाना। अच्छा, अभी रिसेंटली एक ऑयल स्पिल हुआ है एक आइलैंड नेशन के ऊपर, तो इससे पहले हुआ था रशिया के अंदर हुआ था, रशिया का तो मैंने आपको कंट्री का नाम बता दिया। रशिया वाले का मुझे आंसर राइट इसमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि कौन से रिवर के ऊपर हुआ था, और बिल्कुल अभी रिसेंटली अगस्त के अंदर कौन से आइलैंड नेशन के पास में ऑयल स्पिल हुआ है, ठीक है। और रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन, मेजर बायोडाइवर्सिटी का लॉस और इकोनॉमिक कोलैप्स जिसको हम लोग टेरेस्ट्रियल और मरीन दोनों में देख सकते हैं, इसमें कुछ इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं एनवायरनमेंट के, प्लस में हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं ह्यूमन काइंड के और इंडस्ट्रीज़ के ये सीवियरली डिप्लीट होते हैं। ये हमारा 4th रिस्क था। और 5th रिस्क है हमारा मेजर नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, सुनामी, वोल्केनिक इरप्शंस और जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स मैंने इनसाइट की डेली न्यूज़ में एक दो बार डिस्कस किया हुआ है। देन कम्स ब्लू कॉर्नर नोटिस। रिसेंटली इंटरपोल ने यूज़ किया था एक ब्लू कॉर्नर नोटिस एक फ्यूजिटिव को लोकेट करने के लिए, जो कि सेल्फ स्टाइल गॉडमैन नित्यानंद है, जो इंडिया से चले गए थे लास्ट ईयर। उनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे रेप के और सेक्सुअल अब्यूज़ के। ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या होता है और इंटरपोल क्या है, पहले हम एक बार इंटरपोल के बारे में जान लेते हैं। इंटरपोल एक क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 194 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ये फैसिलिटेट करता है वर्ल्ड वाइड पुलिस का कोऑपरेशन और क्राइम का कंट्रोल। हेडक्वार्टर इसके लियोन फ्रांस में है। 1923 में इसकी शुरुआत हुई थी एज इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन ICPC। ये इन्वेस्टिगेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करता है,
ट्रेनिंग देता है लॉ इन्फोर्समेंट की वर्ल्ड वाइड, और तीन एरियाज़ हैं इसके ट्रांजैक्शनल क्राइम के, जैसे कि टेररिज्म, साइबर क्राइम और ऑर्गेनाइज क्राइम। इंडिया की तरफ से CBI जो है हमारी नोडल अथॉरिटी है, जो एग्जीक्यूट करती है और हैंडल करती है कोई भी इंटरपोल का नोटिस आता है इंडिया के अंदर। तो देर आर लाइजन ऑफिसर्स हर एक स्टेट पुलिस फोर्स के भी, जो कि इंटरपोल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। अब देखते हैं कि ये ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या है। इंटरपोल के मुताबिक नोटिसेज जो होते हैं वो इंटरनेशनल रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ कोऑपरेट करो और अलर्ट जारी करो अपने पुलिस मेंबर के साथ कंट्रीज़ के अंदर, ताकि जो भी क्रिटिकल क्राइम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जा सके। ब्लू नोटिस का मतलब होता है कलेक्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सनस आइडेंटिटी, लोकेशन और एक्टिविटीज़ इन रिलेशन टू क्राइम। यानी कि जैसे नित्यानंद के ऊपर इन्होंने ब्लू कॉर्नर नोटिस दिया है, तो इन्होंने बोला है कि नित्यानंद के ऊपर और एडिशनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाए इस पर्सन की आइडेंटिटी के ऊपर, इसकी लोकेशन के ऊपर और इसकी एक्टिविटीज़ के ऊपर। टाइप्स ऑफ इंटरपोल नोटिस हमको मालूम होने चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल मालूम होने चाहिए, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं आपसे प्रिलिम्स के अंदर कन्फ्यूज़ करके। रेड नोटिस कब देते हैंगे? टू सीक द लोकेशन अरेस्ट ऑफ द वांटेड पर्सन विद द व्यू टू एक्सट्रेडिशन और सिमिलर लॉफुल एक्शन। किसी को अरेस्ट करना हो, किसी वांटेड पर्सन को, उसका एक्सट्रेडिशन वगैरह करवाना हो, तो उसके लिए। येलो नोटिस क्यों देते हैं? किसी भी मिसिंग पर्सन को लोकेट करने के लिए, ठीक है ना, स्पेशली जो माइनर्स वगैरह होते हैं, और किसी इंसान को उसको हेल्प करना, उसको आइडेंटिफाई पर्सन करना, प्लस में जो खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते हैं। ब्लू नोटिस मैंने आप लोगों को अभी भी बता ही दिया है। ब्लैक नोटिस हम क्यों देते हैं? किसी भी अनआइडेंटिफाइड बॉडी को ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन देना, यानी कि उस पर्टिकुलर बॉडी के बारे में जो डिटेल्स होंगी वो भेज दी जाएंगी, साथ में ब्लैक नोटिस जाएगा कि ये बॉडी मिली है और सभी पुलिस वगैरह एजेंसीज जो कंट्रीज होती हैं इसको आइडेंटिफाई करें किसकी कंट्री से बिलोंग करती है। ग्रीन नोटिस देते हैं, वार्निंग देते हैं और इंटेलिजेंस देते हैं किसी पर्सन के रिगार्डिंग जिन्होंने कमिट किए होते हैं कुछ क्रिमिनल ऑफेंसेस, और चांसेस हैं कि वो उस तरह के क्राइम्स को आसपास की कंट्रीज़ के अंदर रिपीट कर सकते हैं, तो ग्रीन नोटिस चला जाएगा। ऑरेंज नोटिस जाता है किसी भी इवेंट को या वार्निंग देना या पर्सन को वार्निंग देना अबाउट अ प्रोसेस रिप्रेजेंटिंग अ सीरियस इमिनेंट थ्रेट टू द पब्लिक सेफ्टी। देन कम्स दिस इंटरपोल UN सिक्योरिटी काउंसिल का स्पेशल नोटिस। ये इशू किया जाता है ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स के लिए जो कि UNSC के टारगेट्स होते हैं, उनके सेंक्शन कमिटीज़ के, यानी UNSC को अगर किसी के ऊपर सेंक्शन लगाना होता है तो उनको ब्लू नोटिस, ये वाला जो इंटरपोल UN का स्पेशल नोटिस होता है, ये चला जाता है। देन कम्स पर्पल नोटिस। यहाँ पर हम लोग इन्फॉर्मेशन भी सीक और या फिर प्रोवाइड, मतलब हम लोग डिमांड भी करते हैं, हम लोग प्रोवाइड भी करते हैं इन्फॉर्मेशन मॉडस ऑपरेंडी की, यानी किसी प्रोसेस को करने का तरीका था, किसी ऑब्जेक्ट का, डिवाइसेस का, किसी तरह की कंसीलमेंट मेथड्स का जिनको क्रिमिनल ने यूज़ किया हो, उसके लिए जाता है पर्पल नोटिस। 10.10 लीबिया समिट। समिट वर्ड और कॉन्फ्रेंस वर्ड के अंदर जो मेजर सा डिफरेंस होता है वो यही होता है कि समिट के अंदर सारे टॉप मोस्ट लीडर्स जाते हैं, कॉन्फ्रेंस के अंदर उनके अलावा कोई रिप्रेजेंटेटिव भी जा सकता है। हेड ऑफ स्टेट और लॉ मेकर्स रशिया, अल्जीरिया, टर्की, इजिप्ट, UAE, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, चाइना और US गैदर हुए थे बर्लिन के अंदर UN के ऑस्पिशियस के अंदर लीबिया का फ्यूचर डिस्कस करने के लिए। समिट का जो मेन गोल था वो था कि फॉरेन पावर्स को और उनका वील्डिंग इन्फ्लुएंस क्या होगा इस रीजन के अंदर, ताकि टू स्टॉप इंटरफेयरिंग इन द वॉर, चाहे उसको वेपन यूज़ करके करें, चाहे हम लोग ट्रूप्स का यूज़ करें, चाहे हम लोग फाइनेंसिंग का यूज़ करें। तो इन कंट्रीज़ ने डिस्कशन किया था किस तरीके से हम लोग फॉरेन पावर्स का यूज़ कर करके यहाँ पर जो इंटरफेयरिंग होती है वॉर की, उस सबको स्टॉप कर सकते हैं। की अग्रीमेंट क्या हुआ है? पार्टिसिपेंट्स ने कमिट किया है कि वो अपने आप को रिफ्रेन करेंगे, वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे जो भी आर्म कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और जो भी इंटरनल अफेयर्स चल रहे हैं लीबिया के अंदर, और सभी इंटरनेशनल एक्टर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी ऐसा ही करें। पार्टिसिपेंट कॉल ऑन द पार्टीज कंसर्न फॉर अ सस्टेन्ड सस्पेंशन ऑफ द हॉस्टिलिटीज, डी एस्केलेशन एंड परमानेंट सीज फायर। पार्टिसिपेंट्स इन्वाइट द UN टू एस्टेब्लिश टेक्निकल कमिटीज टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रूस। पार्टिसिपेशन कॉल ऑन द ऑल पार्टीज कंसर्न फॉर अ सस्टेनेबल सस्पेंशन, यानी कि जो भी हॉस्टिलिटीज रखी हुई हैं, जिन लोगों को भी पकड़ पकड़ के रखा हुआ है, इल्ज़ाम लगा रखा है, उन सबको सस्पेंड कर दिया, उनको छोड़ दिया जाए, जो भी सीज़ फायर करना है उसको परमानेंट कर दिया जाए, प्लस में UN से रिक्वेस्ट करेंगे कि टेक्निकल कमिटीज सेटअप करें ताकि इस तरह का जो हम लोगों ने ये फैसला लिया, जो ट्रूस है हमारा, पीस ट्रूस है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये सब देखा जाए। इट अर्जेस ऑल द लीबियन पार्टीज टू रिज्यूम द इंक्लूसिव लीबियन लेड और लीबियन ऑन पॉलिटिकल प्रोसेस अंडर द ऑस्पिशीज ऑफ UNSMIM, UN सपोर्ट मिशन टू लीबिया
इसके तहत उन्होंने रिक्वेस्ट करेंगे सभी लीबियन पार्टीज से कि आप अपना लीबियन लेड और लीबियन ऑन पॉलिटिकल प्रोसेस जो है आपका, आप उसको रिज्यूम करो। सपोर्ट आपको मिलेगा यूएन की तरफ से ताकि आप एक इंट्रा लीबियन सॉल्यूशन पर पहुंच सको। इंट्रा लीबियन मतलब लीबिया के अंदर ही आप डिस्कस करो, बाहर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा आपके ऊपर। ये बात की गई थी लीबिया समिट के अंदर। 10.11 ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। रिसेंटली GTCI 2020 का उसको कंपाइल किया गया था इनसीड के द्वारा, कोलैबोरेशन थी उनकी एडको और गूगल के साथ, तब जाकर ये इंडेक्स रिलीज हुआ है। GTCI क्या है? पहली बार 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। एक एनुअल बेंचमार्किंग रिपोर्ट है जहां पर हम किसी कंट्री की एबिलिटी को मेजर करते हैं एक टैलेंट के लिए कॉम्पीट करने की जो एबिलिटी होती है। यहाँ पर नेशंस की रैंकिंग की जाती है, उनकी एबिलिटी क्या है ग्रो करने की, अट्रैक्ट करने की, प्लस में फिर उस टैलेंट को रिटेन भी कितना कर सकते हैं, ये सब उसमें मेंशन होता है। रिपोर्ट कवर करती है 132 इकोनॉमीज़ को और 155 सिटीज़ होते हैं, और इसकी जो रिसर्च होती है वो कंडक्ट की जाती है इनसीड के द्वारा। 2020 की जो थीम रखी गई है वो है कि ग्लोबल टैलेंट इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रिपोर्ट के हाईलाइट क्या है? इंडिया ने 8 प्लेसेस इसमें रैंक अप किया है, 72nd रैंक के ऊपर आया 2020 के अंदर, और इससे पहले था जो वो 80 रैंक था। ब्रिक्स की ग्रुपिंग के अंदर चाइना की रैंकिंग 42 है, रशिया की 48 है, साउथ अफ्रीका की 70 है और ब्राज़ील की 80th है, यानी कि ब्रिक्स ग्रुप के अंदर इंडिया सेकेंड लास्ट रैंकिंग पे है। स्विट्ज़रलैंड ने इस पूरे इंडेक्स को टॉप किया है, और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स है और उसके बाद सिंगापुर है। The pecking order underlines the domination of high income countries. Top 25 in the list are all high income countries. 17 of them are Europe. यानी कि जो भी लिस्टिंग में रिपोर्टिंग हुई है उसमें 17 कंट्रीज़ जो हैं वो यूरोप की हैं टॉप 25 में, और उसके अलावा जो भी कंट्रीज हैं सारी की सारी हाई इनकम कंट्रीज़ हैं। 10.12 वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स वेस्प रिपोर्ट। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सोशल वेलफेयर ने, और जो यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD ने, प्लस में 5 यूनाइटेड नेशन के रीजनल कमीशंस ने जॉइंटली इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया था। रिपोर्ट के अंदर क्या है? ये एक एनुअल यूएन का फ्लैगशिप पब्लिकेशन है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। फ्लैगशिप मैंने आपको बता दिया था। दिस इज़ व्यूड थ्रू द लेंस ऑफ द 2030 एजेंडा फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2030 के लिए हम लोगों ने जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेटअप किए हुए थे, 15 साल करके टारगेट था 2015 से लेकर 2030 तक का, उन सबको ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। ग्लोबल जो ग्रोथ है वो स्लो हुई है पिछले 10 सालों के अंदर, ठीक है, 2.3% थी 2019 के अंदर, विद अ मॉडेस्ट अपटिक प्रोजेक्टेड, यानी कि 2020 में अपटिक थोड़ा सा अप ऊपर होगा ये प्रोजेक्ट किया गया था कि 2.5% जाएगा, और 2021 में 2.7% जाएगा। ये देखो जनवरी की न्यूज़ थी, तो ये उन्होंने अज्यूम किया था 2020 का 2.5 जाएगा, लेकिन पैंडेमिक आ गया, पूरा का पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन में था, तो अभी 2.5 तो था। मुझे लग रहा है कि अब जिनकी नेक्स्ट ईयर रिपोर्ट आएगी उसमें ये बताएंगे कि 2020 का प्रोजेक्ट किया था 2.5, लेकिन वो तो 2.3 पिछले वाले से भी नीचे चला गया। रिपोर्ट वॉर्न करती है इकोनॉमिक रिस्क के बारे में, और आपको वार्निंग देती है कि आप यू शुड स्टे स्ट्रॉन्ग, और एग्रेवेटेड बाय डीपनिंग द पॉलिटिकल पोलराइजेशन एंड इंक्रीजिंग स्केप्टिसिज्म अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, प्रीलिम्स में कोई नहीं पूछने वाला। की पॉइंट्स क्या है इस रिपोर्ट में इंडिया के रिगार्डिंग? इंडिया के अंदर जो रेट ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन है वो शार्पली गिरा है, ठीक है, 2018 में 6.8% था एक्सपेंशन, लेकिन 2019 में वो 5.7 आ गया था। और उसके रीज़न क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट का स्लैक हो जाना, कंज्यूमर सेंटीमेंट का सबड्यू हो जाना, प्लस में सर्विसेज के अंदर जो ग्रोथ थी और जो वीक मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, इन सब के कारण। इंडिया के अंदर मोर देन 40% जो यूथ है वो ना ही एजुकेटेड है, ना ही एम्प्लॉयड है और ना ही ट्रेंड है। बहुत ही अच्छा डेटा है यूथ को लेकर। अब ये यूथ के डेटा को आप कहीं कर मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ कर सकते हो, इस रिपोर्ट ने बोल दिया। यहाँ पर आप इस रिपोर्ट को टैग कर सकते हो साथ साथ जब भी आप आंसर राइटिंग करोगे। काफ़ी अच्छा डेटा है ये वाला। नो इम्पोर्ट्स इन अदर्स कैटेगरी विदाउट HSN कोड। 10.13 हमारा टॉपिक है। एवरी ट्रेडिड प्रोडक्ट इज कैटेगराइज्ड अंडर हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड। इम्पोर्ट्स टर्म्ड अदर्स डू नॉट हैव HSN कोड्स एंड आर ऑफन टैग्ड अलॉन्ग विद द पार्ट्स एंड एक्सेसरीज एंड कैटेगराइज गुड्स। हर एक जो ट्रेड किया जाने वाला प्रोडक्ट होता है उसको, उसे हम लोग HSN कोडिंग देते हैं।
एचएसएन का मतलब होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड। वो इंपोर्टेड आइटम्स जिनके ऊपर कोई एचएसएन कोड नहीं होता उनको हम अदर्स की कैटेगरी में टर्म कर देते हैं, प्लस में हम लोग उनको दूसरे कैटेगराइज गुड्स या फिर एक्सेसरीज के साथ में अटैच कर देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री इम्पोज करती है हाई ड्यूटी उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो अदर्स के कैटेगरी में टैग्ड किए होते हैं, अगर उनके ऊपर जो स्पेसिफिक ग्लोबली एक्सेप्टेड एचएसएन कोड नहीं होता है तो। एचएसएन एक आइडेंटिफिकेशन कोड है जिसको डेवलप किया है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने। ये अलाउ करता है पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ को कि अपने ट्रेडेड गुड्स को क्लासिफाई करें एक कस्टम पर्पज़ के लिए कॉमन बेसिस के ऊपर। कस्टम की जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं इस कोड को यूज़ करती हैं टू क्लियर एवरी कमोडिटी जो एंटर करती है फिर क्रॉस करती है किसी भी तरीके का इंटरनेशनल बॉर्डर। इंडिया के पास एक 8 डिजिट का इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन कोड है जो कि बेस्ड है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ कोडिंग के ऊपर। अब इंपोर्टर्स को अप्रोच करना होगा मिनिस्ट्री को कि वो एचएसएन कोड कलेक्ट करे 30 दिन के अंदर डायरेक्ट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से यानी कि DGFT से। ये मेजर हेल्प करेगा गवर्नमेंट को कि वो एसेस कर सके कि क्या कुछ इंपोर्ट किया जा रहा है, प्लस में इसमें जीरो टॉलरेंस इंश्योर करेंगी जो भी सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं और सर्विसेज होते हैं वहाँ पर। WEF's रीस्किलिंग रेवोल्यूशन 10.14। इंडिया ने रिसेंटली ज्वाइन किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रीस्किलिंग रेवोल्यूशन एज ए फाउंडिंग गवर्नमेंट मेंबर। फाउंडिंग गवर्नमेंट्स के अंदर कौन कौन है? ब्राज़ील है, फ्रांस है, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया फेडरेशन, UAE और US। रीस्किलिंग रेवोल्यूशन क्या है? ये एक इनिशिएटिव है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जहाँ पर हम लोग 1 बिलियन पीपल को बेटर एजुकेशन और स्किल्स और जॉब्स प्रोवाइड करेंगे 2030 तक। रीस्किलिंग रेवोल्यूशन तो आप किसी डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक के अंदर इसको बोल लिख सकते हो, ये इंडिया का विजन है। यहाँ पर आप रीस्किलिंग रेवोल्यूशन को टैग कर सकते हो। इट इज़ एम्ड टू एड्रेस द नीड ऑफ द रीस्किलिंग विच इज़ राइजन ड्यू टू जॉब्स आर गेटिंग ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द टेक्नोलॉजीज टू द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, चेंजेस हो रहे हैं कोर स्किल्स के अंदर और जो रिक्वायर होती हैं एग्जिस्टिंग जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए। हाई डिमांड हो रही है हाईटेक और स्पेशलाइज्ड इंटरपर्सनल स्किल्स की, जिसमें वो स्किल्स भी होती हैं जहाँ पर हम लोग सेल्स करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होता है, केयर और एजुकेशन की होती हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज़ की एक रिपोर्ट जिसका टाइटल है जॉब्स ऑफ टुमारो। उसमें मैपिंग अपॉर्चुनिटी होती है न्यू इकोनॉमी की, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे उन जॉब्स को जहाँ पर रीस्किलिंग की रिक्वायरमेंट है। 10.15 ग्लोबल कंसोर्टियम फॉर द गवर्नेंस ऑफ डिजिटल करेंसी। रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी एनुअल मीटिंग में जो कि डावोस में थी उन्होंने लॉन्च किया था एक ग्लोबल कंसोर्टियम डिजिटल करेंसी गवर्नेंस को लेकर। इनिशिएटिव का एम है कि दैट दे विल ब्रिंग टुगेदर द लीडिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, एकेडमिशियंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ वगैरह को एक ग्लोबल लेवल के ऊपर वो लोग लेके आएंगे। इनका एम क्या है? ये फाइनेंशियल सिस्टम का एक्सेस इंक्रीज करना चाहते हैं कुछ इनोवेटिव पॉलिसी सॉल्यूशंस के तहत जो कि बहुत इंक्लूसिव होंगे और इंटरऑपरेबल होंगे। एमर्जेंस ऑफ द डिजिटल करेंसीज इन द मेरियाड ऑफ डिजिटल डिफरेंट फॉर्म्स, बिटकॉइन टू फेसबुक्स लिब्रा टू सेंट्रल बैंक इशूड ऑल्टरनेटिव्स हैज़ लेफ्ट द इंटरनेशनल कम्युनिटी स्क्रैम्बलिंग टू बिल्ड अ सूटेबल इंटीग्रेटेड रेगुलेटरी सिस्टम। इसके ऊपर न्यूज़ वैसे आ चुकी है, मैंने विजन के मंथली कंपाइलेशन में डिटेल में आपको बता चुका हूँ। देखो वो कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारा डिजिटल करेंसी चेंज हो रहा है ना, बिटकॉइन आ चुका है, फेसबुक का लिब्रा जो था वो न्यूज़ में रहा है बहुत बार। उन्होंने कहा है कि हमको एक ऐसा अल्टरनेटिव बनाना पड़ेगा, बेसिकली ऐसा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जो इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इनिशिएटिव लिया है, ठीक है, एक ग्लोबल कंसोर्टियम बनाएंगे डिजिटल करेंसी को गवर्न करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। जब आप लोगों ने जिन लोगों ने मंथली कंपाइलेशन पढ़ ली उनको मालूम होगा कि मैंने ये बिटकॉइन वाला टॉपिक डिटेल में पूरा का पूरा समझा दिया है। NSE नॉलेज हब। NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, इलेक्ट्रिसिटी स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन गैस एक्सचेंज, बहुत सारे एक्सचेंज थे जो मैंने विजन के जून मंथ के मंथली कंपाइलेशन में डिस्कस किए थे इकोनॉमिक सेक्शन के अंदर। एक साथ बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज आए हैं इंडिया के अंदर, तो उनको प्लीज़ आप देख लीजिएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च किया है एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है NSE नॉलेज हब।
और इसको डेवलप किया गया है NSE एकेडमी के द्वारा, जो कि NSE की एक खुद की ओन सब्सिडरी है। इस प्लेटफॉर्म के अंदर ये हेल्प करेंगे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर की, जिसको हम लोग बोलते हैं BFSI। प्लस में ये कोलैबोरेट करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ BFSI इंडस्ट्री के अंदर, ताकि उनके एम्प्लॉयज़ के स्किल्स को इन्हेंस कर सकें। अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये लोग फ्यूचर रेडी टैलेंट प्रोवाइड कर सकें, और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के अंदर भी सेम चीज़ें ये लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। ट्रैक एंड ट्रेस प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस। रिसेंटली वर्ल्ड, देखो कितनी सारी चीज़ें आ रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर, और ये आता है एग्ज़ाम के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च किया है पहला न्यूट्रल और पब्लिक ट्रेसेबिलिटी प्लेटफॉर्म, जिसकी कैपेबिलिटी है कि वो विजुलाइज करता है सप्लाई चेन डेटा मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन से और सोर्सेज से। प्लेटफॉर्म किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, वही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो हमारे बिटकॉइन वगैरह के अंदर यूज़ होती है। मैंने समझा दिया था विजन का, वो देख लेना आप लोग जाके। वो आई थिंक जून से प्रीवियस जो मंथ था ना, जून से पहले आता है मई मंथ के अंदर वो टॉपिक डिस्कस हुआ था। प्लेटफॉर्म बेस्ड है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, और इसको डेवलप किया गया है ताकि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड अक्रॉस जो बिजनेसेस हैं उन सबको असिस्ट करे, इंडस्ट्रीज़ के एड्रेस करे कंज्यूमर की डिमांड्स क्या हैं एथिकल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए। सप्लाई चेन डेटा अलाउ करेगा यूज़र्स को कि उनके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर हो फॉर द फ्लो ऑफ द गुड्स, और बाकी क्या की एनवायरमेंटल और सोशल इंडिकेटर्स हैं प्रोडक्ट्स को लेकर, प्लस में सर्टिफिकेशन क्या है सप्लाई चेन पार्टनर्स का, जिसके कारण दे विल बी अवेयर कि इनका क्या सोशल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है अगर इन प्रोडक्ट्स को परचेज़ करते हैं तो। इसको क्रिएट किया गया है, कोलैबोरेशन किया है डेडिकेटेड ग्रुप ऑफ चैंपियंस के साथ, जिसमें एवरलेजर है, लेंजिंग ग्रुप है, टेक्सटाइल जेनेसिस है और इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर भी है। नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल। रिसेंटली गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था स्ट्रक्चर क्या होगा नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल का। इसकी कंपटीशन होगी, देखो नई चीज़ है, उसकी कंपटीशन आ रही है, तो क्या एग्ज़ाम में मतलब उसमें भी पूछ सकते हैं, मेंस में भी पूछ सकते हैं वाली चीज़। तो इसी कंपटीशन में चेयरमैन होंगे जो वो इसके मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री होंगे, एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होंगे जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे कंसर्न मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, वो जॉइंट सेक्रेटरी की रैंक से बिलो नहीं होंगे। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होंगे इसमें जिनको नॉमिनेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट 2 साल के टर्म पीरियड के लिए। ये डिफरेंट कैटेगरीज से हो सकते हैं, ठीक है, सक्सेसफुल स्टार्टअप्स के अंदर। कन्वेनर होंगे काउंसलिंग के, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी होंगे डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल एंड इंटरनल ट्रेड के। NSAC का एम है एडवाइज़ करना गवर्नमेंट को कुछ मेजर्स के ऊपर, जिसके अंदर ताकि एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बना सके हम लोग इनोवेशन और स्टार्टअप्स का कंट्री के अंदर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को हम लोग ड्राइव कर सकें, लार्ज स्केल के ऊपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकें, टू प्रमोट ईज ऑफ एक्सेस टू द कैपिटल स्टार्टअप्स के लिए, और डोमेस्टिक कैपिटल को इंसेंटिवाइज करना इन्वेस्टमेंट्स के लिए, फोस्टर अ कल्चर ऑफ इनोवेशन इंडिया के अंदर, इंडिया के सिटीजन्स में, इंडिया के स्टूडेंट्स के अंदर इनोवेशन के कल्चर को फोस्टर करना, प्लस में इनोवेशन सभी सेक्टर्स में प्रमोट करना, इकोनॉमी में प्रमोट करना एट्सेट्रा। इसके अलावा ये कुछ मेजर सजेस्ट करेगा किस तरीके से पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस को इनोवेशन के लिए एसिमिलेट किया जाए, और प्लस में पब्लिक सर्विस डिलीवरी को कैसे इंक्रीज करें, क्रिएशन कैसे प्रमोट करें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का प्रोटेक्शन कैसे हो, उनका कमर्शियलाइजेशन कैसे हो। 10.19 पूर्व उदय स्कीम, ये भी मैंने इनसाइट की डेली न्यूज़ में डिस्कस कर दी है। देखो अब ये फ़ायदा होता है, बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसे रिवाइज हो जाती हैं, कुछ चीज़ें नई आपके नॉलेज में ऐड हो जाएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने पार्टनरशिप की है CII के साथ, और एक जॉइंट प्लांट कमेटी है, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है पूर्वोदय एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट ऑफ द ईस्टर्न इंडिया का डेवलपमेंट करेंगे कैसे, एक इंटीग्रेटेड स्टील हब के तहत कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल में। वहाँ पर इसका एम है एक स्विफ्ट कैपेसिटी का एडिशन करना, प्लस में ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस जो है हमारे स्टील प्रोड्यूसर्स की उसको इम्प्रूव करना, दोनों ही टर्म्स के अंदर, कॉस्ट में भी और क्वालिटी में भी। इस प्रोग्राम के अंतर्गत गवर्नमेंट का एम है कि वो लॉजिस्टिक्स को ट्रांसफॉर्म करेंगी, जो यूटिलिटीज़ हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको भी ट्रांसफॉर्म करेंगे, ताकि सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप जो हमारे ईस्टर्न इंडिया का है उसको पूरे को चेंज कर सकें। प्लस में ये हेल्प करेगा स्टील क्लस्टर्स को डेवलप करने में, क्लस्टर्स मतलब होते हैं ग्रुप्स वगैरह को,
और जो भी क्रिटिकल लॉजिस्टिक्स और यूटिलिटीज जो यूटिलिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इन सब को ट्रांसफॉर्म करने में। यहाँ पर हम लोग एनकम्पास करेंगे ओडिशा को, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश का जो नदन पार्ट है वहाँ पर। इस तरीके से हम लोग जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ईस्टर्न रीजन का टोटल स्टील प्रोडक्शन के अंदर उसको इंक्रीज़ कर देंगे। प्रेजेंटली वो 70% है, उसको हम लोग 87% कर देंगे। नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का एम है कि वो एक टोटल स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी 300 मिलियन टन की डेवलप करना चाहते हैं 2030-31 तक, वेयर अराउंड 200 मिलियन टन जो होगा वो 5 ईस्टर्न स्टेट्स से आएगा। रिसेंटली मैंने ये चीज़ आप लोगों को इनसाइट के डेली न्यूज़ में समझाई थी, वहाँ पर मैंने शायद 230 मिलियन टन्स लिखा था, क्योंकि मैंने जो न्यूज़ का आर्टिकल पढ़ा था इकोनॉमिक टाइम्स का उसमें 230 मिलियन टन्स था। यहाँ पर एक अपडेट है कि 300 मिलियन टन्स है, तो आप इसको प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो हमारी नेशनल स्टील पॉलिसी है उसका एम क्या है। 10.20 आरोग्य संजीवनी पॉलिसी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA ने मैंडेट किया है सभी जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को कि वो लोग SHIP जिसका नाम है आरोग्य संजीवनी यानी कि स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ये ऑफर करें। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा देखना। अभी हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट के पास नंबर ऑफ इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं एट द मोमेंट, लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग हो सकता है कस्टमर्स के लिए कि अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट कौन सा है। आरोग्य संजीवनी का एम है इस पूरे के पूरे चैलेंज को एड्रेस करना। SHIP जिसके फुल फॉर्म मैंने आपको अभी बता दी, उसका एम है बेसिक हेल्थ नीड्स का ध्यान में रखना और सीमलेस पोर्टेबिलिटी एनेबल करना इंश्योरेंस के ऊपर। इसके SHIP के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होंगे, मिनिमम और मैक्सिमम सम जो इंश्योर किया जाएगा वो 1 लाख से 5 लाख तक का होगा, मिनिमम 1 लाख का, मैक्सिमम 5 लाख का। मिनिमम और मैक्सिमम एंट्री एज है 18 और 65 ईयर्स। लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी होगी, कोई भी एग्जिट एज नहीं रखी गई है, लेकिन चिल्ड्रन जो कि अंडर आते हैं फैमिली फ्लोटर पॉलिसीज़ के वो 3 महीने से 25 साल तक का होगा। पॉलिसी जो होगी वो इंडेमनिटी पॉलिसी होगी, यानी कि ये सिर्फ रीइंबर्समेंट बेसिस के ऊपर काम करेगी। जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है हमारा, इसके पास बेसिक मैंडेटरी कवर होना चाहिए, जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या हुआ, आयुष ट्रीटमेंट था कि नहीं था। जो प्रीमियम है इस प्रोडक्ट के अंदर वो सेम होगा पूरे के पूरे इंडिया के अंदर, यानी कि जो प्राइसिंग वगैरह, प्रीमियम मतलब होता है जिसकी कोई मोनेटाइजेशन हो, जिसका कोई पैसा लग रहा हो, ठीक है। कोई भी ज्योग्राफिकल लोकेशन या फिर जोन प्राइसिंग अलाउ नहीं होगी कि भैया ये कश्मीर में मिलता है तो महंगा होगा, या फिर ये असम में मिल रहा है तो महंगा है, या फिर गुजरात में मिल रहा है तो महंगा है, तमिलनाडु में है तो सस्ता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हर जगह सेम इसका प्रीमियम रहेगा। CEIR सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। रिसेंटली CEIR का पोर्टल लॉन्च हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो भी ब्लॉकिंग होती है और जो ट्रेसिंग होती है स्टोलन और लॉस्ट मोबाइल फ़ोन्स के दिल्ली के अंदर, उन सब को फैसिलिटेट किया जाए। ये जो इनिशिएटिव है ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अंडर, ठीक है, DOT, और सबसे पहले लॉन्च हुआ था मुंबई के अंदर। ओके, अभी ये लॉन्च हुआ है दिल्ली के अंदर। CEIR का IR का एक्ट है कि मतलब इसका काम क्या होगा, एक सेंट्रल सिस्टम होगा जो कनेक्ट करेगा IMEI का डेटाबेस। IMEI एक नंबर होता है, आप सबको मालूम होगा, सबके फ़ोन का एक यूनिक नंबर होता है, IMEI के डेटाबेस को सभी नेटवर्क ऑपरेटर्स के, ताकि जो भी ब्लैक लिस्टेड मोबाइल डिवाइसेज हैं उन सबका एक सिंगल सेंट्रल डेटाबेस बन जाए। डिवाइस ने ब्लैक लिस्ट किया है, डिवाइसेस ब्लैक लिस्ट हुए हैं जो एक नेटवर्क के अंदर, वो दूसरे नेटवर्क के ऊपर काम नहीं करेंगे, इवन अगर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम कार्ड जो है इस डिवाइस का चेंज हो गया है तो भी। ये बड़ी अच्छी चीज़ इन्होंने लॉन्च कर दी है। जो नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी है हमारी 2012 की, दैट इज़ कॉल्ड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एक, हमारे पास एक नेशनल मोबाइल प्रॉपर्टी रजिस्टर होना चाहिए जो एड्रेस करेगा सिक्योरिटी, थेफ्ट और जो बाकी कंसर्न्स होते हैं, इंक्लूडिंग रीप्रोग्रामिंग क्या होगी मोबाइल हैंडसेट्स की। अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, तो मुझे भी, मेरे लिए भी नई चीज़ है। 10.22 यूथ को लैब। यूथ को लैब एक मल्टी डायमेंशनल और मल्टी लेवल रिस्पॉन्स है, जहाँ पर हम लोग जो स्पेशली जो यूथ जो चैलेंजेस फेस करता है ना उन सबको टैकल करते हैं। कैसे, उन लोगों को फ्रंट के ऊपर प्लेस कर देते हैं, ठीक है, और सेंटर के ऊपर भी, ताकि वो आज की जो प्रेसिंग प्रॉब्लम्स हैं उनके रिगार्डिंग सॉल्यूशंस फाइंड करें। इसे को क्रिएट किया गया था 2017 के अंदर यूनाइटेड नेशंस के डेवलपमेंट प्रोग्राम और सिटी फाउंडेशन के द्वारा।
यूथ को लैब का एम है एक कॉमन एजेंडा सेट करना एशिया पैसिफिक रीजन के जो कुछ कंट्रीज़ है वहाँ पर यूथ के लिए इन्वेस्ट करना, प्लस में किस तरीके से हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का इम्प्लीमेंटेशन एक्सेलरेट कर सकते हैं, कैसे लीडरशिप प्रोवाइड करके सोशल इनोवेशन से और एंटरप्रेन्योरशिप से। इंडिया के अंदर यूथ को लैब का जो इनिशिएटिव है इसे लॉन्च किया गया था एक जॉइंट एंडीवर के द्वारा जो कि UNDP इंडिया का था, अटल इनोवेशन मिशन एम और नीति आयोग तीनों ने मिलकर इसको इंडिया में एस्टैब्लिश किया था। इसका एम है टेक्नोलॉजी को फोस्टर करना। फोस्टर करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इंक्रीज करना, एक्सपैंड करना, एफिशिएंट बनाना। हाँ, यूथ को लैब का एम क्या होगा? टेक्नोलॉजी को फोस्टर करना। फोस्टर करने का मतलब होता है किसी चीज़ को स्ट्रेंथन करना और एनकरेज करना, इनोवेट करना, प्रमोट करना, इंक्रीज करना, ठीक है। यूथ लीडरशिप को प्रमोट करना, प्लस में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को एस्टैब्लिश ढंग से करना, प्लस में उसको स्ट्रेंथन करना इंडिया के अंदर। इसके तहत जो यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और जो इनोवेटर्स होते हैं उनको एक चांस मिलेगा कि वो गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट करें, मेंटर्स के साथ कनेक्ट करें, इनक्यूबेटर के साथ और इन्वेस्टर के साथ, जो इन लोगों को इनकी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर कन्वीन करेंगे सोशल इनोवेशन चैलेंजेस नेशनल और सब नेशनल लेवल के ऊपर, जहाँ पर हम लोग यंग पीपल को इनवाइट करेंगे जो एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं 18 से 29 ईयर्स के, और स्टार्टअप्स भी होते हैं, ताकि वो अपना प्रपोज आइडिया शोकेस करें, जो भी किस तरीके की वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल करने के लिए क्या सॉल्यूशंस ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारा होगा सोशल इनोवेशन चैलेंजेस के अंडर। ऑपरेशन टर्टल शील्ड। रिसेंटली वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने वेस्ट बंगाल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पर्सनल के साथ मिलकर 983 इंडियन फ्लैपशेल टर्टल्स को सीज किया था और 2 इंडियन पीकॉक सॉफ्टशेल टर्टल्स को। कहाँ से? वेस्ट बंगाल के मार्केट से। ऑपरेशन टर्टल शील्ड जो है ये एक नया सेंट्रल प्रोग्राम है जो एंडेंजर्ड टर्टल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। फ्लैप शेल टर्टल एक स्मॉलर साइज़ का टर्टल होता है, इसको जनरली इसके मीट के लिए मार दिया जाता है, जो कि बंगाल और बांग्लादेश दोनों में ही एक डेलिकेसी यानी कि एक स्वादिष्ट व्यंजन कंसिडर किया जाता है। IUCN के रेड लिस्ट के अंदर ये लीस्ट कंसर्न है। IUCN मैंने आप लोगों को इससे प्रीवियस सेक्शन के अंदर बता दिया था पूरा का पूरा क्या होता है। इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल्स जो होते हैं इनको कैटेगराइज किया गया वल्नरेबल में। अब देखो ये दोनों ही एक तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन एक वल्नरेबल है और एक लीस्ट कंसर्न है, तो डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। प्लस में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो हमारा इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल है ये स्केड्यूल 1 में लिस्टेड है, और साइट्स के अंदर भी ये स्केड्यूल 1 में ही लिस्टेड है। ये जनरली रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, लेक्स, पॉन्ड्स या फिर मड और सैंड बॉटम्स जो होते हैं वहाँ पर मिलेगा। ये ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस का मतलब क्या होता है कि ये वेज चीज़ें भी खाता है और वो नॉन वेज चीज़ें भी खाता है। और हर्बीवोरस क्या होते हैं जो कि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स वगैरह खाते हैं, ठीक है। और जो कार्निवोरस होते हैं वो क्या कहते हैं कि दूसरे एनिमल्स को वगैरह को खाना, वो सब। ओमनीवोरस होता है जो दोनों को ही खा सकता है, तो जैसे बियर होता है, भालू होता है, वो भी ओमनीवोरस की कैटेगरी में फॉल करता है। इवन ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ये भी ओमनीवोरस की कैटेगरी में होते हैं। तो ये ओमनीवोरस होता है। जुवेनाइल्स ऑब्जर्व्ड फीडिंग ऑन मॉस्किटो। जो जुवेनाइल्स होते हैं इनके, जैसे जुवेनाइल कौन होता है, 18 तक की एज को हम जुवेनाइल कंसिडर करते हैं ना, तो इनके केस में भी जो जुवेनाइल्स होते हैं वो जनरली उनको ऑब्जर्व किया जाता है कि मॉस्किटो के लार्वा के ऊपर फीड करते हैं, फिश के ऊपर फीड करते हैं। हालांकि जो इनके केस में एडल्ट्स होते हैं वो स्नेल्स को कंज्यूम करते हैं, अर्थवॉर्म्स, प्रॉन्स, फिश, फ्रॉग, कैरियन और वेजिटेशन वगैरह। इनको मेजर थ्रेट क्या है? इन स्पीशीज़ को हैविली एक्सप्लोइट किया जाता है इनके मीट और कैलीपी के लिए। कैलीपी होता है इनका जो शेल होता है ना, जो टर्टल के ऊपर जो एक शेल लगा होता है, ठीक है, उसका जो रिम होता है ना, आउटर रिम होता है, उसको बोलते हैं कैलीपी। थ्रेट्स हैं इसको रिवर गंगा के अंदर भी, जो स्पीशीज़ है वहाँ की जो बहुत जेनेरिक है लार्ज रिवर टर्टल्स की। इसके अंदर रिडक्शन होता है फिश स्टॉक का, इस क्योंकि ओवर फिशिंग बहुत होती है, पॉल्यूशन हो रहा है, रिवर का ट्रैफिक इंक्रीज़ हो रहा है, सैंड माइनिंग हो रही है, और भी कुछ इस तरह के रीजंस होते हैं। 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने डावोस की जो मीटिंग हुई थी वहाँ पर लॉन्च किया है ग्लोबल इनिशिएटिव कि वो ग्रो करेंगे, रिस्टोर करेंगे, कंजर्व करेंगे 1 ट्रिलियन ट्रीज़ को पूरे वर्ल्ड के अंदर। एक बिड है जहाँ पर वो लोग बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर करना चाहते हैं और क्लाइमेट चेंज से फाइट करना चाहते हैं।
1t.org एक वेबसाइट है, एक प्लेटफॉर्म है लीडिंग गवर्नमेंट्स के लिए, बिजनेसेस के लिए, सिविल सोसाइटी और इकोप्रेन्योर्स के लिए जो कमिटेड है ग्लोबल ट्रिलियन ट्रीज कम्युनिटी को सर्व करने के लिए। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इनिशिएटिव है, इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि जो यूएन का डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है 2021-30 का, उसको सपोर्ट करें। और इसको लीड कौन करेगा, मतलब ये जो यूएन डेकेड है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का, इसको यूनाइटेड नेशन का जो एनवायरनमेंट प्रोग्राम है प्लस FAO फूड एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये लीड करेंगे। 1t.org एग्जिस्ट करता है, इसका काम है कनेक्ट करना, एम्पावर करना, मोबिलाइज करना पूरी की पूरी जो ग्लोबल रिफॉरेस्टेशन कम्युनिटी है ना मिलियंस की, उनको उनका पोटेंशियल ऐसे रिलीज करते हैं, इंश्योर करते हैं कि 1 trillion ट्रीज जो होंगे इस पूरे डेकेड के अंदर कंजर्व भी किए जाएं और रिस्टोर भी किए जाएं। 10.25 ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अलायंस 2020। देखो यार, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत ज़्यादा कवर हुआ है तो कहीं तो आएगा, मतलब किसी ने अभी, मुझे पता नहीं था, इवन मेरे को भी नहीं मालूम था कि विजन इतना ज़्यादा फोकस करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर, पर ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने डिस्कस किया है जो ग्लोबल रिफॉरेस्टेशन एफर्ट्स हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अलायंस का, ये इस एफर्ट का पार्ट है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अलायंस को हम लोगों ने स्टार्ट किया था 2012 में रियो के +20 के अंदर। रियो कहाँ पे? ब्राज़ील में। ये ग्लोबल लेवल पर PPP है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। इसका डेडिकेशन किस चीज़ के ऊपर है? रूरल डेवलपमेंट करना, सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट करना, वहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, ठीक है, डीफॉरेस्टेशन को रिड्यूस करना, प्लस में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंट्रीज़ का लैंड यूज़ मैनेजमेंट इंक्रीज करना, सस्टेनेबल लैंड यूज़ मैनेजमेंट। इस अलायंस के अंदर मोर देन 150 पार्टनर्स हैं जो कमिटेड हैं ट्रॉपिकल डीफॉरेस्टेशन के लिए, प्लस में जहाँ पर उन एरियाज़ में स्पेशली जहाँ पर पाम ऑयल का प्रोडक्शन होता है, सोए, बीफ, पल्प और पेपर का। TFA ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अलायंस इसमें इन्वॉल्व करते हैं, ये जो एरिया है ये आता है हमारा लैटिन अमेरिका का, वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ये इन यहाँ पर ये सारे जो एरियाज है यहाँ पर इन कमिटमेंट्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसको फंड करती है गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और नेदरलैंड्स, और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो होस्ट होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। इसका जो एक्शन एरिया है 2019 के लिए, जो एक 2019 का जो था उसमें 10 प्रायोरिटी एक्शंस हैं जो ट्रॉपिकल डीफॉरेस्टेशन को रिड्यूस करेंगे ग्लोबल एग्रीकल्चर सप्लाई चेन्स के थ्रू, और इसको डिफाइन किया है हम लोगों ने कमोडिटीज़ एंड फॉरेस्ट एजेंडा 2020 में। ये जो एजेंडा है 2020 का, ये समराइज करता है क्या हमारी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ रहेंगी जिनको हम एड्रेस करेंगे ताकि जो ट्रॉपिकल डीफॉरेस्टेशन है बीफ, सोए, पाम ऑयल प्रोडक्शन का, इन सबको एड्रेस कर सकें। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंडर आता है। हरगिला असम स्टेट का जो जू कम बोटैनिकल गार्डन है, अरण्यक, ये एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, दे इन्होंने सक्सेसफुली हैच किया है एक एडजेसेंट एक पेयर है ग्रेटर 10.26 हरगिला। ये एक बर्ड होता है, ठीक है ना, बगुले के जैसा होता है, ठीक है, और इसके बारे में क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए बता रहा हूँ ये एक बर्ड होता है हरगिला। असम का जो स्टेट जू, उसी को जो कि बोटैनिकल गार्डन भी है जिसका नाम है अरण्यक, जो कि एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने सक्सेसफुली हैच किया है एक पेयर को जो कि ग्रेटर अर्जुन स्टॉर्क, जिसको हरगिला बोलते हैं चिक्स को, आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म के अंदर, और ये सारा का सारा काम जू एनक्लोजर के अंदर ही हुआ है। ग्रेट अर्जुन स्टॉर्क, जिसका साइंटिफिक नेम होता है लेप्टोटिलॉस डूबियस, ये रेयरेस्ट स्पीशीज़ होती है स्टॉक्स की, जो 20 स्पीशीज़ हैं स्टॉक्स की वर्ल्ड के अंदर, उसमें रेयरेस्ट ये वाली होती है। इंडिया के अंदर जो रेजिडेंशियल स्टॉक्स होते हैं इंक्लूडिंग हरगिला, इसकी 8 स्पीशीज़ मिलती हैं आपको। एक बार ये अबेरेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड थे साउथ में और साउथ ईस्ट एशिया में, ये जो स्टॉक है अभी रेस्ट्रिक्टेड हो चुका है कुछ आइसोलेटेड पॉकेट्स तक, जो कि असम में है, बिहार में है, और जो प्रीतवाल है कंबोडिया का वहाँ पर भी है। थ्रेट क्या होता है? हैबिटेट का लॉस होते जा रहा है इनका, पोचिंग बहुत हो रही है, यानी शिकार हो रहा है, पॉइजनिंग बहुत हो रही है। IUCN का कंजर्वेशन स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है, ये टॉल ट्रीज़ के ऊपर अपनी ब्रीडिंग करते हैं। ऑलराइट, पलाऊ बन गया है फर्स्ट कंट्री जिसने बैन लगा दिया है रीफ टॉक्सिक, जो कि एक सन क्रीम है उसके ऊपर। पलाऊ जो कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, पहला कंट्री बन गया है जिसने सनस्क्रीन के ऊपर, जो कि कॉरल्स और सी लाइफ के लिए हार्मफुल है, उसके ऊपर बैन लगा दिया है।
नीचे आपको मैप दिख रहा होगा, पलाऊ दिख गया, इंडोनेशिया दिख गया, पेपुआ न्यू गिनी दिख गया, आपको समझ में आ गया होगा पैसिफिक रीजन में है ये। और ये कब से स्टार्ट होगा बैन? ये स्टार्ट हो जाएगा 1 जनवरी 2020 से, यानी कि हो चुका है। ये क्या होता है? रीफ टॉक्सिक एक इंग्रेडिएंट होता है जो कि सनस्क्रीन के प्रोडक्ट्स में होता है, ऑक्सीबेंजोन, और इसको पर्टिकुलरली बहुत हार्मफुल कंसिडर किया जाता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कॉरल रीफ फाउंडेशन, उन्होंने कुछ केमिकल्स को बैन किया हुआ है क्योंकि वो कॉरल्स को ससेप्टेबल बनाते हैं। वहाँ पर कॉरल्स की ब्लीचिंग होती है, कि कॉरल्स की ब्लीचिंग के अंदर क्या होता है कि कॉरल्स होते हैं थोड़े वाइट वाइट से हो जाते हैं पूरे के, और वो डेड हो जाते हैं, ठीक है ना, वो मरीन लाइफ को डिस्ट्रॉय हो जाती है उसके कारण। इसके इन ऑक्सीबेंजोन के कारण क्या होता है, जो डीएनए होता है कॉरल का वो डैमेज हो जाता है। प्लस में जो जुवेनाइल कॉरल्स होते हैं, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था ना जुवेनाइल टर्टल्स, तो ये जो यंग कॉरल्स होते हैं वो डिफॉर्म हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। बाकी प्लेसेस जो अनाउंस करेंगे इसी तरीके का बैन, उसमें आता है यूएस का वर्जिन आइलैंड्स, जहाँ पर ये मार्च 2020 से स्टार्ट होगा, मार्च मंथ में आएगी वो न्यूज़, तब पढ़ेंगे। यूएस का स्टेट ऑफ हवाई, जो जहाँ पर जो बैन है ये 2021 से स्टार्ट होगा, और डच कैरिबियन आइलैंड बोनेयर का। ऑलराइट, आर्किया क्या है? ठीक है, रिसेंटली एक न्यू आर्कियन, एक काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये सांबर सॉल्ट लेक जो कि राजस्थान में वहाँ पर डिस्कवर किया गया था, इसको डिस्कवर किया है NCMRNCCS ने, नेशनल सेंटर फॉर द माइक्रोबियल रिसोर्स, नेशनल सेंटर फॉर द सेल साइंस, जो कि पुणे में है। इसको नाम दिया गया है नत्रियाल्बा स्वरूपे, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर रेणु स्वरूपा, उनके नाम पर इसको नेम दिया गया है। आर्किया जो होते हैं सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के सिमिलर होता है, लेकिन ये यूकैरियोट से भी कुछ ना कुछ कनेक्टेड होते हैं, रिलेटेड होते हैं। स्लो ग्रोइंग ऑर्गेनिजम्स हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं, क्योंकि इनका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत यूनिक होता है, और ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी सर्वाइव करते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग हो गया, कोल्ड डेजर्ट हो गया, हाइपरसलीन लेक्स हो गए। व्हाई आर दे नॉन फॉर? दे आर नॉन फॉर प्रोड्यूसिंग एंटी माइक्रोबियल मॉलिक्यूल्स, एंड इनकी जो एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है, जो एप्लीकेशंस होती है इनकी इको फ्रेंडली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की, उसके लिए काफ़ी जाने जाते हैं। ऑर्गेनिज्म जो है ये स्पेसिफिक पाथवेज हार्बर करता है, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, उसके रिकॉम्बिनेशन और रिपेयर के लिए। तो ये इसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं बेसिक, ये आई थिंक उसमें पूछ सकते हैं आपसे प्रीलिम्स में, कोई ऑप्शन एलिमिनेट करने में ये पॉइंट आपको हेल्प करेंगे। ये ह्यूमन गट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, गट मैंने आपको बताया था ऊपर, माउथ में, स्किन में, बट अभी तक इनके बारे में बहुत कम पता चला है कि ह्यूमन बॉडी में कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि बहुत एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट होता है इनको कल्चर कर पाना, और ये पुअरली स्टडी की जाती है, इनकी स्टडी इनके बारे में अच्छे से हो नहीं पाई है अभी तक। भुवन पंचायत 3.0, इसे डेवलप किया गया है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के द्वारा इसरो के, एक यूज़र फ्रेंडली वेब जियो पोर्टल है इसरो के SISDP प्रोजेक्ट के अंदर। किस लिए? जो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी बेटर प्लानिंग और मॉनिटरिंग के लिए। SISDP प्रोजेक्ट क्या है? स्पेस बेस्ड इंफॉर्मेशन सपोर्ट फॉर द डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सिर्फ वर्ड से ही पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए आपको, इस तरीके से अपने नज़रों को थोड़ा सा एनविजन करने की कोशिश करो। SISDAP प्रोजेक्ट का एम है ये ग्राम पंचायत को ग्रास रूट लेवल तक असिस्ट करेगा, असिस्ट मतलब सपोर्ट देगा, बेसिक प्लानिंग इनपुट्स के लिए डेटा हम लोग डिराइव करेंगे सैटेलाइट का जो डेटा होता है, ताकि डेवलपमेंटल प्लान्स बनाए जाएं, किस तरीके से एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करेंगे, कैसे उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे। ये जियो स्पैटियल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा ग्राम पंचायत को उनके प्लानिंग प्रोसेस को डेवलप करने के लिए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर आता है। अभी जियो स्पैटियल रिसोर्सेज हैं, सैटेलाइट का डेटा किया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को ये कैसे ग्राम पंचायत को हेल्प करेंगे, पूरा पढ़ लेते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो मैं बताता हूँ। इट विल एड, मतलब ये सपोर्ट करेगा डेटाबेस का विजुअलाइजेशन, डेटा एनालिटिक्स, जनरेशन ऑफ ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स, मॉडल बेस्ड प्रोडक्ट्स, और जो बेनिफिट के लिए, जो पंचायत मेंबर्स के बेनिफिट के लिए होते हैं, प्लस में इसके अलावा जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, PRIs हो गए, पब्लिक हो गया, उनके लिए पहली बार थीमेटिक डेटाबेस जो कि बहुत हाई स्केल के ऊपर पूरी कंट्री के लिए अवेलेबल होगा, हाई इंटीग्रेटेड हाई रेजोल्यूशन सेटेलाइट डेटा प्लानिंग के लिए। भुवन जो है एक नेशनल जियो पोर्टल है जिसको डेवलप किया गया है और उसको होस्ट करता है इसरो, इसमें जियो स्पेटियल डेटा सर्विसेज और टूल्स होते हैं एनालिसिस के लिए। देखो बेसिकली देखो आप जियो से समझो, सैटेलाइट समझो, सैटेलाइट का ग्राम पंचायत के साथ डेटाबेस प्रोवाइड करना क्या हो सकता है, पहली चीज़।
वेदर फोरकास्टिंग का डेटा, ठीक है ना, ग्राम पंचायत को अवेलेबल होगा तो उसके अकॉर्डिंगली अपनी क्रॉप के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। लैंड की मार्किंग्स वगैरह, प्लस में लैंड के अंदर किस तरीके के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, इन सब का डेटाबेस प्रोवाइड किया जाना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा तो आप समझ जाओगे, क्योंकि ये टॉपिक मेंस का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स का टॉपिक है। मेंस में भी आप इसको यूज़ करोगे तो आप एक लाइनर में यूज़ कर सकते हो किसी एग्जाम्पल के अंदर, कि इसरो ने भुवन प्रोजेक्ट किया चलाया था, भुवन पंचायत, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोई पंचायती राज का अगर क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर, ये डिटेल में नहीं आएगा, डिटेल में ये प्रीलिम्स में आ सकता है एलिमिनेट करने के लिए। ऑल राइट, 10.30 DRDO यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज। प्राइम मिनिस्टर जी ने डेडिकेट किए हैं 5 यंग साइंटिस्ट की लेबोरेटरीज DRDO की, जो कि नेशन को उन्होंने डेडिकेट किया है। DRDO यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज यानी कि DYSL, ये 5 सिटीज़ में लोकेटेड हैं, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड हैदराबाद। हर एक जो लैब हैं वो एक की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंस के ऊपर काम करेगी, फ्यूचरिस्टिक डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने के लिए। कौन सी वो टेक्नोलॉजीज़ हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजीज़, कॉग्निटिव टेक्नोलॉजीज़, एसिमेट्रिक टेक्नोलॉजी एंड स्मार्ट मटेरियल्स। DYSL एम्प्लॉय करेगा उन साइंटिस्ट को जिनकी एज 35 से कम है, ताकि वो एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी को डेवलप करें इंडिया की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी मिलिट्री वेपनरी के लिए। इसके कारण हम लोग इंडिया की जो इंडिजिनस रिसर्च कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बूस्ट कर पाएंगे डिफेंस सेक्टर के अंदर, प्लस में डिफेंस के रिलेटेड जो रिसर्च होती है उसमें हम लोग यूथ को इन्वॉल्व कर पाएंगे। स्वर्ण जयंती फेलोशिप्स, रिसेंटली स्वर्ण जयंती फेलोशिप्स को अवार्ड जो दिया गया था 14 साइंटिस्ट को दिया गया था, जो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड हैं जहां पर इनोवेटिव रिसर्च का आइडिया के काम किया जाता है, प्लस में उनका पोटेंशियल है कि वो रिसर्च और डेवलपमेंट के जो रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन्स हो सकते हैं वहाँ पर एक पोटेंशियल इम्पैक्ट मार्क करेंगे। स्वर्ण जयंती फेलोशिप स्कीम जो है ये गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट की थी ताकि इंडिया के जो 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस था उसको कमेमोरेट करने के लिए। इस स्कीम के अंडर सेलेक्टेड नंबर ऑफ यंग साइंटिस्ट जिनका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है उनको स्पेशल असिस्टेंस मिलती है, सपोर्ट मिलती है अपनी बेसिक रिसर्च को परस्यू करने के लिए उनके खुद के फ्रंटियर एरियाज़ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। अवार्ड को सपोर्ट करता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक फेलोशिप और रिसर्च के लिए। HSFC ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर 10.32, इसे इनॉग्रेट किया गया था जनवरी 2019 के अंदर, 2019 में इसरो के अंदर। काम क्या है? इंडिया का जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, और जो हमारा गगनयान प्रोजेक्ट है जिसका पहला जो अनक्रूड जो मिशन था वो जाना था दिसंबर 2020 में, जो कि डिले हो चुका है, और जो क्रूड जाना था 2021 के दिसंबर में, फिर वो ऑब्वियसली बात अभी फर्दर डिले हो ही जाएगा, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसको लॉन्च इस प्रोजेक्ट को सेटअप किया गया था। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एंड टू एंड मिशन प्लानिंग करना है, इंजीनियरिंग सिस्टम कैसे डेवलप करना है, क्रू का सर्वाइवल कैसे होगा स्पेस के अंदर, क्रू का सिलेक्शन कैसे करना है, उनको ट्रेन कैसे करना है, और जो भी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं उन सबको सस्टेन कर पाना। HFSC सपोर्ट लेता है एग्जिस्टिंग इसरो सेंटर्स से, ताकि जो पहला डेवलपमेंट करना चाहते हैं हम फ्लाइट ऑफ गगनयान का HSP के अंडर उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। करंटली जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है ये कुछ वेरियस सेंटर के ऊपर अभी स्प्लिट हुआ हुआ है, जैसे कुछ पार्ट विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में हो रहा है तिरुवनंतपुरम में, और कुछ UR राव सेटेलाइट सेंटर में हो रहा है बेंगलुरु के अंदर। रिसेंटली इसरो ने प्रपोज किया था एक कंसोलिडेटेड HFSC के बारे में, जिसे हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे चल्लाकेरे कर्नाटका के अंदर। ये हेल्प करेगा इंडिया को लॉन्ग रन में, करंटली इंडिया को लार्ज सम्स ऑफ मनी पे करना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए और इस तरह की फैसिलिटीज़ को फॉरेन कंट्री में यूज़ करने के लिए, तो इंडिया अपना खुद का एक कंसोलिडेटेड HSFC सेटअप करना चाहता है, बेसिकली इसरो सेटअप करना चाहता है। IDRSS इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम। इंडिया प्लान कर रहा है खुद का स्पेस टू स्पेस ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन अपने स्पेस एक्सर्ट्स के लिए इस साल एक नया सैटेलाइट सिस्टम को सैटेलाइट सीरीज को डालकर, जिसका नाम होगा इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम। IDRSS क्या है? एक सेट है 2 IDRS सैटेलाइट्स का जिनको हम लोग जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस करेंगे। ये सैटेलाइट्स को इनेबल करेगा कि डेटा का ट्रांसफ़र हो, सैटेलाइट्स का कम्युनिकेशन वगैरह हो। इसका और का काम होगा, इसका काम होगा ट्रैक करना, सेंड करना, रिसीव करना रियल टाइम की इन्फॉर्मेशन दूसरी इंडियन सैटेलाइट से
पर्टिकुलरली जो लो अर्थ ऑर्बिट्स में है और जिनका बहुत लिमिटेड कवरेज है अर्थ के ऊपर। इसके अलावा ये बहुत यूज़फुल होगा लॉन्चेस को मॉनिटर करने में, और जो हमारा गगनयान मिशन होगा उसके क्रू मेंबर्स को इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। उनके थ्रू आउट जो ट्रैवल होगा उसके अंदर मिशन कंट्रोल को इंश्योर करने में ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। प्लस में ये बहुत सिग्निफिकेंट होगा स्पेस डॉकिंग के लिए। स्पेस डॉकिंग का मतलब क्या होता है कि स्पेस क्राफ्ट का जा रहा होता है स्पेस में, ऑलरेडी कोई स्पेस क्राफ्ट वगैरह होता है वहाँ पर, उसे अटैच करना होता है, उसकी डॉकिंग वगैरह के अंदर बहुत बड़ा कंट्रोल मैनेजमेंट करना पड़ता है, ठीक है। या फिर कोई दूसरा कोई डिस्टेंट एक्सपेडिशन चलाना हो हमको मून पे, मार्स पे, वीनस पे, उन सब में भी हेल्प करेगा। इंडिया की जो डिपेंडेंस होती है हमारी ग्राउंड स्टेशंस के ऊपर सैटेलाइट्स को ट्रैक करने के लिए, उस डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर देगा। इसका पहला सैटेलाइट जो है वो 2020 के एंड तक लॉन्च किया जाएगा और सेकंड जो है 2021 में। इसके बाद इंडिया उन स्टेट ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा जिन्होंने ऑलरेडी अपना DRS सिस्टम ज्वाइन कर रखा है, जैसे US, चाइना, जापान, यूरोप, इनके पास ऑलरेडी खुद का DRS सिस्टम है। नेक्स्ट वी हैव गवर्नमेंट ओन्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड मॉडल GOCO 10.34। आर्मी ने डिसाइड किया है कि उनके जो आर्मी बेस वर्कशॉप्स होती हैं ABW, उनको वो ट्रांसफ़र कर देंगे। प्रेजेंटली इनको ऑपरेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट GOCO के लाइंस के ऊपर, लेकिन इनको प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र कर देंगे कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू, ताकि इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके। GOCO मॉडल के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, लैंड प्रोवाइड करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, प्लांट मशीनरी देगी, इक्विपमेंट सिस्टम सपोर्ट देगी, ओवरसाइट और फैसिलिटेट करेगी कॉन्ट्रैक्टर को। कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट करेगा, यूटिलाइज करेगा सारी फैसिलिटीज़ को, मैनेज करेगा सभी तरह के काम को, प्लस में जो भी रिक्वायर्ड लाइसेंसेज होते हैं, सर्टिफिकेशन और एक्रेडिशंस होती हैं, उन सब के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। म्यूचुअली अग्रीड टारगेट्स होंगे और एक प्लांट मशीनरी को मेंटेन करने का काम उसका होगा। इसके अलावा ये ऑपरेट किया जाएगा प्राइवेट इंडस्ट्री के द्वारा, ठीक है, उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर एग्री किया जाएगा। यहाँ से प्राइवेट पार्टिसिपेशन ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं हम लोग डिफेंस के अंदर। ये जो मॉडल है, ये जो कि आर्मी बेस की वर्कशॉप्स को शिफ्ट कर देना, ये रिकमेंडेशन आया था लेफ्टिनेंट जनरल DB शेखतकर, जो कि रिटायर्ड हैं, उनकी एक कमेटी थी जहाँ पर उनको एनहेंस करने के लिए बोला गया था कि कॉम्बैट कैपेबिलिटी एनहेंस करनी डिफेंस की और डिफेंस एक्सपेंडिचर को रीबैलेंस करना है, उसके रिगार्डिंग कुछ रिकमेंडेशंस। तो इस कमेटी के ऊपर बहुत सारी बातें हुई हैं, फर्दर जो मंथ की आपकी ऐसी ही वीडियोज़ आएंगी उनके ऊपर हो जाए, आपको डिस्कशन और मिलेगा देखने को। प्लस में मैंने जो डेली मंथली मंथली करवा रहा हूँ, डेली न्यूज़ करा रहा हूँ, उसमें भी मैंने शेखतकर कमेटी की रिकमेंडेशंस वाली न्यूज़ आई थिंक 2-3 बार करवा दी है। 10.35 सुखोई जेट्स। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने इंडक्ट किया है पहला बैच 6 ऑफ द 18 रशियन सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स का, कहां पर, तमिलनाडु के थंजावुर एयरफोर्स स्टेशन पे। ओके, ये इंडिया की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ को थोड़ा सा बोल्स्टर करेगा, यानी स्ट्रेंथन करेगा, बिल्डअप करेगा। कहां पर, इंडियन ओशन रीजन में, किसके अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट, क्योंकि ये जो जेट्स होते हैं ये बहुत ही अच्छे जेट्स होते हैं, 1500 किलोमीटर तक की फ्लाई कर सकते हैं ये बिना रिफ्यूल किए मिडियर में। इसी कारण इंडिया का जो सिक्योरिटी कवर है हमारा आइलैंड टेरिटरीज़ के अंदर और जो हमारी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन होती है वहाँ का, हम लोग इन चीज़ों को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ये जो फाइटर जेट्स होते हैं इनके अंदर एयर वेरियंट बहुत सारे होते हैं, इक्विप्ड होते हैं, जैसे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल होती है जिसकी रेंज 290 किलोमीटर है। ब्रह्मोस एक मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको हम लॉन्च कर सकते हैं सबमरीन से, शिप से, एयरक्राफ्ट से और इवन लैंड से। ये एक जॉइंट वेंचर था इंडिया का और रशिया का। इंडिया की तरफ से ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम लिया गया था, ब्रह और मोस जो वर्ड है वो रशिया की जो रिवर थी वहाँ पर मोस को, उसके नाम से मोस, तो ब्रह्मोस वर्ड ऐसे निकल के आया था। इंडियन नेवी ऑलरेडी यूज़ कर रही है बोइंग के द्वारा जो बनाया गया P-8I लॉन्ग रेंज, ये एक मल्टी मिशन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है उस एरिया के अंदर, जिसको आर्म्ड किया गया है हार्पून की एंटी शिप मिसाइल के साथ और ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर को कंडक्ट करने के लिए भी कैपेबल है। 10.36 सक्षम 2020। रिसेंटली एक मंथ लॉन्ग फ्यूल कंजर्वेशन कैंपेन था PCRA का, जो लॉन्च हुआ था एज सक्षम 2020। सक्षम की फुल फॉर्म है संरक्षण क्षमता महोत्सव। सारे जो सेगमेंट्स हैं इसमें, स्कूल चिल्ड्रन, यूथ, हाउसवाइव्स, ड्राइवर, मैकेनिक्स, फ्लीट ऑपरेटर्स, इंडस्ट्री, फार्मर्स, सभी को हम लोग इन्वॉल्व करना चाहते हैं फ्यूल कंजर्वेशन की बहुत सारी एक्टिविटीज़ के अंदर। जैसे
ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा राइडर्स ऑफ कार के लिए, बस और ट्रक के लिए, जो रिटेल आउटलेट्स होंगे वहाँ पर उनको एजुकेट करेंगे कि कैसे वो फ्यूल को कंजर्व कर सकते हैं, उसके लिए उनको कंजर्वेशन टिप्स दिए जाएंगे पेट्रोल डीजल के, व्हीकल सेफ्टी के बारे में बताया जाएगा। किसान कॉल सेंटर के तहत हम लोग मास अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे, ठीक है, टिप्स देंगे, जिंगल्स प्ले करेंगे पेट्रोलियम कंजर्वेशन के ऊपर। जिंगल्स क्या होते हैं, एक एग्जांपल देना चाहूँगा। देखो जैसे कुछ कोई ऐड होती है ना, जैसे मैगी का एक ऐड आया करता था पहले, उसमें कुछ ऐसा ट्यून्स होता ना, मैगी 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 ऐसा कुछ होता था। बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट की आप अवेयरनेस करते हो, कोई कैंपेन चलाते हो, उसमें कुछ एक रिदमिक म्यूज़िक ऐड कर देते हो ना, कोई जिंगल टाइप का, कोई गाना टाइप का बना देते हो, कुछ लिरिक्स टाइप का ऐड कर देते हो, उसको जिंगल्स बोलते हैं। एलपीजी पंचायत होंगे वहाँ पर, एजुकेट करेंगे विलेजर्स को कैसे उन्हें एलपीजी को यूज़ करना चाहिए सेफ्टी और कंजर्वेशन टिप्स के लिए। फ्यूल एफिशिएंट ड्राइविंग के कॉन्टेस्ट होंगे कार ओनर्स के लिए, ताकि फ्यूल एफिशिएंट ड्राइविंग को प्रमोट किया जाए। पीसीआरए क्या है? पीसीआरए एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंडर आती है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है पीसीआरए, नेशनल गवर्नमेंट की एजेंसी है जिसका काम होता है एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करना इकोनॉमी के वेरियस सेक्टर्स में। ये गवर्नमेंट को हेल्प करती है कुछ पॉलिसीज प्रपोज करने में, प्लस में पेट्रोलियम के कंजर्वेशन के रिगार्डिंग कुछ स्ट्रेटजीज बनाने में। इसका एम होता है कि कंट्री की जो ऑयल रिक्वायरमेंट की जो डिपेंडेंसी है ना, उसको रिड्यूस करें। वी हैव स्वच्छ सर्वेक्षण लीग, एसएस लीग 2020। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अनाउंस किए थे रिजल्ट स्वच्छ सर्वेक्षण लीग के Q1 और Q2 के। एसएस लीग 2020 क्या है? इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव है ऑफ सस्टेनिंग द ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस ऑफ सिटीज अलॉन्ग विद कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ सर्विस लेवल परफॉर्मेंस एंड वेन इट कम्स टू क्लीनलीनेस। ठीक है, ये एक क्वार्टरली क्लीनलीनेस असेसमेंट होता है सिटीज़ का, टाउन्स का, जिसको हम लोगों ने इंटीग्रेट किया था 5th edition जो था स्वच्छ सर्वेक्षण का 2020 के साथ। जो परफॉर्मेंस होती है सिटीज़ की एसएस लीग 2020 के अंदर, ये बहुत क्रूशियल होती है कि उनकी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में रैंकिंग क्या रहेगी, क्योंकि जो 25% वेटेज होता है ना क्वार्टरली असेसमेंट का, वो इंक्लूड किया जाता है एनुअल सर्वे के अंदर। कंक्लूड किया गया है 3 quarters में कंक्लूड होता है ये, अप्रैल जून जुलाई सितंबर अक्टूबर दिसंबर 2019। 2000 मार्क्स होते हैं हर एक क्वार्टर के, जिसको इवेल्युएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मंथली अपडेशन होता है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का। ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम होता है सिटीज़ के द्वारा, अलॉन्ग विद सिटीजन्स का वैलिडेशन होता है 12 सर्विस लेवल के ऊपर, प्रोग्रेस इंडिकेटर्स होते हैं। रैंक जो है वो असाइन की जाती है 2 categories के सिटीज़ के अंदर पॉपुलेशन के साथ। 1 lakh और अबव के लिए कुछ सिटीज़ होती हैं, उसकी 2 categories होती हैं, 1 to 10 lakh तक और 10 lakh एंड अबव के लिए। लेस देन 1 lakh होता है इस कैटेगरी के अंदर रैंकिंग्स जो होती हैं वो जोन और पॉपुलेशन वाइज दी जाती हैंगी। इसमें 5 zones आते हैं, North, East, साउथ और वेस्ट। स्वच्छ सर्वेक्षण क्या है? ये एक रैंकिंग एक्सरसाइज होती है गवर्नमेंट की इंडिया के अंदर, रूरल और अर्बन एरियाज़ को उनके क्लीनलीनेस के लिए असेस करना। ऑब्जेक्टिव है लार्ज स्केल सिटीजन पार्टिसिपेशन को इंकरेज करें, लोगों के अंदर, सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस फैलाएं कि एक साथ कैसे काम कर सकते हैं। नारी शक्ति पुरस्कार, अच्छा ये रैंकिंग्स भी देख लो क्लीन स्वीप की। अर्बन लोकल बॉडी जो गुजरात और मध्य प्रदेश की है, उन्होंने डोमिनेट किया है टॉप रैंकिंग के अंदर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के सर्वे में। जो रैंकिंग्स थी ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड थी? कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल। तो Q1 में और Q2 के अंदर ये इस साइड में है अर्बन लोकल बॉडीज, और कौन से स्टेट की है? इंदौर से MP, भोपाल MP से, सूरत गुजरात से, नासिक महाराष्ट्र, राजकोट गुजरात से। और Q2 में इंदौर से MP, राजकोट से गुजरात, वडोदरा गुजरात, नवी मुंबई और भोपाल। दोनों के अंदर जो कॉमन है अच्छी रैंकिंग में वो है इंदौर MP से और भोपाल MP से, यानी कि MP के जो 2 areas ये काफ़ी साफ सुथरे हैं। देन वी हैव नारी शक्ति पुरस्कार। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट ने रिसेंटली एप्लीकेशंस इनवाइट की थी नारी शक्ति पुरस्कार के लिए 2019 के लिए। फॉर्मरली इसको, मतलब पहले इसको स्त्री शक्ति पुरस्कार बोलते थे, और ये प्रेसिडेंट देते हैं इंडिया में हर साल 8 मार्च को, जो कि इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है। इंडिविजुअल्स को दे सकते हैं, ग्रुप्स को दे सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस को, NGOs को। अगर किसी ने एक्सेप्शनल और आउटस्टैंडिंग काम किया होता है वुमेन के इकोनॉमिक और सोशल एम्पावरमेंट के लिए।
ये जो अवार्ड मिलता है इंडिविजुअल ग्रुप्स को और एनजीओस को, उनके कैटेगरीज क्या होने चाहिए, अगर उन्होंने एनकरेज किया है वुमेन का पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग रोल्स में, उन्होंने एनकरेज किया हो वुमेन का स्किल डेवलपमेंट ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स में, बेसिक एमिनिटीज़ रूरल वुमेन की फैसिलिटेट करते हों, वुमेन को साइंस टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स आर्ट कल्चर के सेक्टर्स में प्रमोट करते हों, उन्होंने सिग्निफिकेंटली वुमेन की सेफ्टी सिक्योरिटी एजुकेशन वगैरह के लिए काम किया हो, तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जो न्यूज़ में है, थोड़ा सा नाम ध्यान से सुनना, बोजना कोंडा और लिंगला मेहता मोनेस्ट्रीज, ये ट्विन रॉक कट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं। कहाँ पर हैं ये? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है, संक्रम विलेज के अंदर, और इनकी डेटिंग है कि ये 3rd century BC के आसपास से हैं। ये जो साइट्स हैं, यहाँ पर 3 फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज़्म होती है, ठीक है। एक है थेरावाडा पीरियड, जहाँ पर लॉर्ड बुद्धा को एक टीचर कंसिडर किया जाता था, जो कि जो महायान थे, जहाँ पर जो बुद्धिज़्म था ये बहुत ज़्यादा डिवोशनल था, और वज्रायन था, जहाँ पर बुद्धिस्ट का ट्रेडिशन था, उसके अंदर तंत्र और हिस्टोरिक फॉर्म की प्रैक्टिसेस ज़्यादा थी। विशाखापट्टनम जो है ये फेमस है अपने बुद्धिस्ट साइट के लिए, ठीक है, जो कि थोटला कोंडा, अपी कोंडा और बावी कोंडा इन एरियाज़ में है। मोगलमारी मोनेस्ट्री, ये लोकेटेड है जो सुवर्णरेखा रिवर का जो लेफ्ट बैंक है, वेस्ट मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। ये जो साइट है ये लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन है वेस्ट बंगाल का। इसे पॉपुलरली हम लोग बोलते हैं दंतापुर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, और इसमें इसको डॉक्यूमेंट किया गया था जो ट्रेवल जनरल है चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क जो स्कॉलर थे जुआनजैंग, जो इंडिया में आए थे 7th century CE में। एक स्टडी है इंस्क्रिप्शंस की क्ले टैबलेट्स के ऊपर, वो रिकवर की गई थी रिसेंटली बुद्धिस्ट मोनेस्टिक साइट मोगलामारी से वेस्ट बंगाल में, जो कंफर्म करती है 2 मोनेस्ट्रीज की प्रेजेंस। नाम को थोड़ा सा ध्यान से पकड़ना, मुगलया कविहारिका और यज्ञ पिंडी कम हाविहारा। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, कहीं लिखना नहीं पड़ेगा, बस प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा याद रखना, आगे पीछे से कुछ शॉर्टकट बना लेना। ये जो मोनेस्ट्रीज हैं इनकी डेटिंग बहुत पुरानी है, 6th century CE की, और ये फंक्शनल थी 12th century CE तक। जो प्रेजेंस है 2 मोनेस्ट्रीज की, ये भी कुछ ना कुछ सेम पीरियड की ही है, एक सिंगल कंपाउंड के अंदर, जो कि बहुत यूनिक है ईस्टर्न इंडिया के अंदर। ईरान्स कल्चरल हेरिटेज, रिसेंटली US प्रेसिडेंट ने वॉर्न किया ईरान को कि अगर वो अमेरिकन एसेट्स के ऊपर रिटेलिएशन करेगा तो US उनकी 52 साइट्स, जो कि ईरान के लिए और ईरानियन कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको US टारगेट करेगा। ईरान इज़ होम, ये वन ऑफ द वर्ल्ड की जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी, जो कि 10,000 BC के आसपास, उनका होम है। 24 ईरानियन साइट्स हैं जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर हैं, और 24 में से 22 कल्चरल हैं। इंडिया के अंदर 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, और वर्ल्ड में जो मैक्सिमम है वो है इटली में और चाइना में। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि इटली और चाइना में, दोनों में सेम नंबर है, कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं टोटल इन कंट्रीज़ के अंदर? ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो ईरान की हैं वो हैं मेदान इमाम, मस्जिद जामे ये इस्फहान में है, गुलिस्तान पैलेस तेहरान में है, पसारगढ़े पर्सपोलिस ये कैपिटल है आर्किमिडीड एम्पायर की, जो कि 6th BC में फाउंड किया गया था, तहकीत ए सोलेमान ये एक एंशियंट जोरेस्टेरियन सेंचुरी है। कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी एंड इवेंट इन द आर्म कॉन्फ्लिक्ट 1954, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका फोकस एक्सक्लूसिवली इस बात के ऊपर रहता है कि किसी भी आर्म्ड या फिर किसी भी वॉर या आर्म कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कल्चरल हेरिटेज का प्रोटेक्शन किया जाए। इस कन्वेंशन ने डिफाइन किया है कल्चरल प्रॉपर्टी क्या होती है। उन्होंने कहा है कि कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस है कल्चरल हेरिटेज के लिए फॉर एवरी पीपल, सच एज कुछ मॉन्यूमेंट्स हो गए आर्किटेक्चर के, आर्ट हिस्ट्री के, या फिर कोई रिलीजियस या फिर सेकुलर आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो गई। करंटली 133 कंट्रीज इसके सिग्नेटरीज हैं इस कन्वेंशन के। US और ईरान जो हैं, इवन जो इंडिया है, ये भी इसके सिग्नेटरीज हैं। रोम स्टैट्यूट 1998 का जो फाउंडिंग ट्रीटी था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर, उसने डिस्क्राइब किया है वॉर क्राइम क्या होता है। एक इंटेंशनल अटैक अगेंस्ट अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट और
बिल्डिंग डेडिकेटेड टू रिलीजन एजुकेशन आर्ट और साइंस। 122 कंट्रीज़ हैं जो स्टेट पार्टीज़ हैं इस रोम स्टैट्यूट की इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर। US इसका सिग्नेटरी है, लेकिन इसने US ने इस स्टैट्यूट को रेटिफाई नहीं किया है। इंडिया ने ना ही साइन किया है और ना ही रेटिफाई किया है। साइन करने का मतलब होता है कि दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रेटिफाई इट। जब आप रेटिफाई कर लेते हो तो उसके सभी प्रोविजन से आप बाउंड हो जाते हो, आपको फॉलो करने पड़ते हैं। 10.41 क्लासिकल लैंग्वेज, और ये यहाँ पर इसका लास्ट टॉपिक होगा। रिसेंटली अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन ने एक रेजोल्यूशन पास किया था। उन्होंने डिमांड किया था कि मराठी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाए। क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती हैं ये मैं आपको बताता चलूँगा अभी। जो सम्मेलन था ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस था मराठी राइटर्स का, जो कि 1878 से चलता आ रहा है। इसको हेड करते हैं लीडिंग मराठी इंटेलेक्चुअल्स, जिसमें जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे थे, महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ थे थर्ड बरोडा के, प्रहलाद केशव आचार्य थे आत्रे के। करंटली इंडिया के पास 6 लैंग्वेजेस हैं जिनको क्लासिकल स्टेटस दिया हुआ है। तमिल 2004 में थी, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013 और ओडिया 2014। लेटेस्ट है ओडिया 2014 में, इसको क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं कि किस लैंग्वेज को हम क्लासिकल डिक्लेयर कर सकते हैं। उस लैंग्वेज की हाई एंटिक्विटी होनी चाहिए। एंटिक्विटी का मतलब कितनी पुरानी है वो, यानी कि अर्ली टेक्स्ट, जो पुराने कुछ लेख जो के ग्रंथ वगैरह हों वहाँ पर उसकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री होनी चाहिए 1500 से 2000 साल पुरानी। एक बॉडी होनी चाहिए एंशियंट लिटरेचर टेक्स्ट की, जो कंसिडर करे कि क्या वैल्यूएबल हेरिटेज है जनरेशंस ऑफ स्पीकर्स के द्वारा इसकी। जो लिटरेरी ट्रेडिशन है ये ओरिजिनल होना चाहिए, किसी दूसरी स्पीच कम्युनिटी से बोरो नहीं किया होना चाहिए, जैसे कि तमिल और संस्कृत से निकल के आई हैं बहुत सारी लैंग्वेज, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। ये सारी लैंग्वेज अपने आप में ओरिजिनल हैं। प्लस में जो क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर होते हैं ये डिस्टिंक्ट हैं मॉडर्न से। प्लस देर में ऑल्सो बी ए डिसकॉन्टिन्यूटी बिटवीन द क्लासिकल लैंग्वेज एंड लेटर फॉर्म्स और इट्स ऑफ शूट्स। किसी भी क्लासिकल लैंग्वेज को क्लासिकल बना देने के बाद उसके बेनिफिट क्या होते हैं। दो मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड्स होते हैं स्कॉलर्स ऑफ एमिनेंस के लिए जो क्लासिकल इंडियन लैंग्वेज के अंदर दिए जाते हैं। एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस होता है स्टडीज़ के लिए क्लासिकल लैंग्वेज का, वो सेटअप किया गया है। UGC अवार्ड देता है रिसर्च प्रोजेक्ट्स के इन लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए। प्लस में क्रिएट करता है कुछ सर्टेन नंबर ऑफ प्रोफेशनल चेयर्स इन क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। ओके, डन।